हेलो स्टूडेंट्स तो आइए शुरू करते हैं मिस्ट्रेन एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर स्ट्रेट लाइन और जैसा कि यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन आपको दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर विद द लाइन के माइनस थ्री एक्स के माइनस थ्री एक्स माइनस फोर माइनस के स्क्वायर ऑफ वाई प्लस के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो एज अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं पहले वाले में दूसरे वाले में और तीसरे वाले में अलग अलग चीज़ें पूछी हैं पहले में दिया आपको पैरल टू एक्स एक्सिस और दूसरा है पैरल टू वाई एक्सिस और तीसरे में दिया है पासिंग थ्रू ओरिजिन तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं फोर लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जो इसका स्लोप होता है वो क्या होता है होता है माइनस ऑफ कॉपशंट ऑफ ए अपॉन कॉप्शन ऑफ बी इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो उसके लिए स्लोप की वैल्यू जीरो होती है और इफ लाइन एज पैरल टू वाई एक्सिस तो स्लोप आपका इनफाइनाइट या फिर रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप इक्वल टू ज़ीरो होगा और इफ पासिंग थ्रू ओरिजिन होगा तो इस केस में क्या होता है ये जो कांस्टेंट टर्म है सी उस टाइम पर सी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए क्योंकि एक्सीकल टू जीरो और वाई कल टू जीरो रखने पर इसको क्या करेगा वेरीफाई करेगा ये पॉइंट ज़ीरो जीरो जो ओरिजिन का पॉइंट है और उस टाइम पे जीरो ए प्लस ज़ीरो बी ये तो ज़ीरो जीरो, जीरो ही हो गया प्लस सी इक्वल टू जीरो तो सी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए आइए पहली कंडीशन को देखते हैं ए पार्ट में क्या करेंगे यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे हम इन दोनों इक्वेशन को यानी गिवन इक्वेशन जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी आपकी देखो के माइनस थ्री बी की वैल्यू माइनस ऑफ फोर माइनस के स्क्वायर और जो सी की वैल्यू वो होगा आपका के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स तो पहले केस में हे यार लाइन इज पैनल टू एक्स एक्सेस ये दिया है आपको तयपर एम की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए एम्प्लाईज माइनस ऑफ ए अपॉन बी की वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए कब पॉसिबल होगा जब ए की वैल्यू जीरो होगी और ए की वैल्यू कितनी है आपको के माइनस थ्री दे रखी है ज़ीरो इम्प्लाइज के इक्वल टू थ्री तो ये आपका पहला पार्ट हुआ बी पार्ट देखिए इफ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस उस उसके इसमें क्या होगा देन वन बाई एम इक्वल टू ज़ीरो होगा इम्प्लाइज uh, क्या लेंगे माइनस ऑफ बी अपॉन ए माइनस ऑफ बी अपॉन ए की वैल्यू जीरो यानी कि बी की, की वैल्यू जीरो होगी और बी की वैल्यू जीरो होने का मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू दी हुई है यानी माइनस ऑफ फोर माइनस के स्क्वायर की वैल्यू जीरो है यानी कि फोर माइनस के स्क्वायर की, की वैल्यू जीरो है और इसका मतलब है के स्क्वायर इक्वल टू फोर और के इक्ल टू प्लस माइनस टू तो ये सेकेंड पार्ट था आपका सी पार्ट में देखिए दिया है यहाँ दिया आपको पासिंग थ्रू ओरिजिन और ये पासिंग थ्रू ओरिजिन तो क्या होगा उस केस में उस केस में सी की वैल्यू ज़ीरो होगी और सी की वैल्यू ये रही एज ए लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन तो सी इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए और सी की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है के स्क्वायर माइनस सेवन के प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर मेट्रेंस प्रिटिंग कर लीजिएगा के स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस सिक्स के माइनस के प्लस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो इधर लेंगे आप लोग के कॉमन तो के माइनस सिक्स और इधर माइनस वन कॉमन के माइनस सिक्स इक्वल टू ज़ीरो तो फैक्टर होंगे के माइनस वन और के माइनस सिक्स और यदि हम इक्वेट से जीरो करें इक्वेट टू तो जीरो करेंगे तो या तो के माइनस वन इक्वल जीरो होगा या के माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो होगा उसके में के वैल्यू वन होगी या फिर के की वैल्यू सिक्स तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर वन और अभी सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी इफ द इक्वेशन एक्स देखिए क्वेश्चन नंबर टू है एक्स कोस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी इज नॉर्मल फॉर्म किसकी भाई ऑफ रूट थ्री एक्स प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो तो देखिए जब आप इसको नॉर्मल फॉर्म आप जब निकालते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं इसको रूट थ्री एक्स प्लस वाई और जो कॉन्स्टेंट हम इसको राइट साइड ले जाएंगे अब क्या करेंगे रूट थ्री का स्क्वायर किसे करेंगे डिवाइडिंग बाई रूट थ्री का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का रूट ठीक है और ऑन बोथ साइड तो क्या बनेगा ये रूट थ्री का स्क्वायर करेंगे थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा ये और फोर का रूट टू यानी कि रूट थ्री बाई टू एक्स प्लस और ये जो राइट साइड में जाके माइनस होगा तो उसके इसमें से माइनस लेंगे आपको पता है इसी को हमने बताया था आपको कि ये यदि माइनस है तो फिर माइनस से डिवाइड करना और प्लस आएगा तो प्लस से डिवाइड करना राइट साइड वाला जो टर्म आ जाएगा आपका कॉन्टेंट टर्म और ये हो जाएगा आपका वाई अपॉन माइनस टू इक्वल टू माइनस टू अपॉन माइनस टू और ये माइनस टू जो मैं लेके आ रहा हूँ ये माइनस टू कहाँ से आया इसकी वैल्यू है माइनस टू तो ये होगा आपका एक्स इंटू माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस वाई और ये माइनस के वन बाई टू इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका वन तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो थीटा की वैल्यू है उसे आप कंपेयर करके निकाल सकते किस किस को कंपेयर करेंगे जो इक्वेशन आपको दी हुई है वन और जो अभी हमें मिली है टू तो कंपेयरिंग वन एंड टू क्या मिलेगा आपको कोर्स थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट थ्री बाई टू और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है माइनस वन बाई टू और पी की वैल्यू कितनी है वन और यहाँ पर आप देखेंगे कोस थीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री बाई टू कितने की वैल्यू कोस थर्टी यानी कि पाई बाई सिक्स और यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी आपके साइन थर्टी यानी कि इसे भी हम फाइव बाई सिक्स लिख सकते चाहे थर्टी लिख सकते दोनों भी राइट हैं आपके आप ऐसा क्वाड्रेंट बताओ जिसमें कोस और साइन दोनों नेगेटिव होते हो तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे इसमें 180 प्लस कर देंगे इसको तो ये कोस थीटा की वैल्यू होगी कोस पाई प्लस पाई बाई सिक्स और इसी तरह यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन पाई प्लस पाई बाई सिक्स जैसे मालूम है साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स और कोस पाई प्लस एक्स रिकॉर्ड माइनस कोस एक्स पाई का मतलब 180 डिग्री तो या होता तो आप डिग्री में भी रख सकते हो नो प्रॉब्लम तो यहाँ पर आपका थीटा की वैल्यू कितनी आई पाई प्लस पाई बाई सिक्स यानी कि आपको मिली है सेवन पाई बाई सिक्स और इसी तरह यहाँ पर भी आपको थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई प्लस पाई बाई सिक्स ये दोनों सेम होनी चाहिए यदि सेम नहीं आ रही तो इसका मतलब आंसर कुछ गलत चल रहा है देयरफॉर थीटा की वैल्यू हुई सेवन पाई बाई सिक्स और पी की वैल्यू वन यूनिट तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू और अभी ये पी हमने यहाँ पे दिया था क्वेश्चन नंबर थ्री देखेंगे और क्वेश्चन नंबर थ्री में यहाँ देखिए आपसे पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस एंड प्रोडक्ट आर वन एंड माइनस सिक्स तो किसकी बात कर रहे हैं ये क्वेश्चन नंबर थ्री में देखिए ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन ये लाइन ये ए इंटरसेप्ट और ये बी तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे ए प्लस बी यानी सम ऑफ इंटरसेप्ट कितना है भाई कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस सम एंड प्रोडक्ट आर वन एंड माइनस सिक्स सम तो है वन और प्रोडक्ट ए बी है माइनस सिक्स तो अभी क्या करेंगे आप लोग यहाँ पर हम करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस फोर ए बी ये आइडेंटिटी है ए प्लस बी की वैल्यू वन माइनस फोर और ए बी की वैल्यू माइनस सिक्स यानी कि वन और माइनस माइनस प्लस कितना हुआ ट्वेंटी फोर तो ये हुआ कितना ट्वेंटी फाइव तो ए माइनस बी का स्क्वायर हुआ आपका ट्वेंटी फाइव तो फिर ए प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या होगी ये होगी प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी फाइव यानी कि फाइव अब हम दो केस लेते हैं वैन ए माइनस बी इक्वल टू फाइव और वैन ए माइनस बी इक्वल टू माइनस फाइव एंड इसके साथ में जो पहली कंडीशन आपको दे रखी है वो क्या है ए प्लस बी इक्वल टू वन यहाँ भी आपका ए प्लस बी इक्वल टू वन चलिए एड कीजिएगा दोनों भी केस में तो आपको टू ए की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर कितना आया टू ए का वैल्यू आया आपका माइनस फोर तो ए का वैल्यू आया माइनस टू और जब इधर देखेंगे तो यहाँ पर आपका टू ए का वैल्यू कितना आया टू ए का वैल्यू आया सिक्स तो ए का वैल्यू आया थ्री अब ए की वैल्यू को उठा करके आप यहाँ इक्वेशन नंबर वन में रख देंगे तो कितना मिलेगा माइनस टू प्लस बी इक्वल टू वन तो बी इक्वल टू कितना होगा थ्री हो जाएगा और यहाँ पर भी आप इसी तरह देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है टू थ्री थ्री प्लस बी इक्वल टू वन तो बी की वैल्यू माइनस टू हो जाएगी तो इस केस में तो आया आपका ए इक्वल टू माइनस टू बी इक्वल टू थ्री और यहाँ पर आया आपका ए इक्वल टू थ्री और बी इक्वल टू माइनस टू तो इक्वेशन क्या होंगी एक इक्वेशन तो होगी देर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन माइनस टू प्लस वाई अपॉन थ्री इक्वल टू वन माइनस सिक्स थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू वन यानी थ्री एक्स माइनस टू वाई यहाँ लिखते हैं थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस सिक्स और उसको मैं लेफ्ट में ले आऊँ तो ये हो जाएगा आपका प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा क्या हो जाएगा ये होगा आपका एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन माइनस टू इक्वल टू जीरो वन तो यहाँ पर मिलेगा आपको माइनस सिक्स ये माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू कितना बना आपका वन है और इधर है माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस सिक्स इसको मैं लेफ्ट में लाऊंगा तो प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर थ्री तो अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर में आपको पूछा है कि व्हाट आर द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हो डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन क्वेश्चन नंबर फोर और यहां पर आपको लाइन दिया देखिए एक्स अपॉन थ्री प्लस वाई अपॉन फोर इक्वल टू वन इज फोर यूनिट डी इक्वल टू फोर और uh, वट द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस चलिए तो लेट पॉइंट भी जीरो कोमा के क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था एक्स को ऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा और फ्रॉम uh, वन आप देख सकते क्या लिखेंगे इसको वन बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई फोर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो आपको जनरल फॉर्म की उसमें लिख लिया हमने जनरल इक्वेशन की फॉर्म में और जो डी की डिस्टेंस है आपकी यहाँ होगा इसका जब हम कंपेयर करेंगे तो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू कितना होगा आपका ज़ीरो तो यहाँ पे कंपेयर करने पे आपको a का वैल्यू मिला वन बाई थ्री बी का वैल्यू मिला वन बाई फोर और जो c का वैल्यू है वो माइनस वन अब इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है आपको तो ये हो जाएगा एक्स वन y1 और डिस्टेंस d की वैल्यू होती है फॉर्मूला याद करो एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट और इसका मोड तो ध्यान देंगे ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है वन अपॉइन थ्री और एक्स की एक्स वन की वैल्यू कितनी है जीरो प्लस फिर वन अपॉन्ट फोर बी की वैल्यू और वाई वन की वैल्यू है आपकी के प्लस और सी की वैल्यू है आपकी माइनस वन और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वन अपॉन थ्री का स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर का स्क्वायर का मोड तो यहाँ पर मैं देखूँ तो ये वैल्यू ये तो आपकी जीरो हो गई और ऐसे मैं लिखूँगा कितना के माइनस फोर बाई होल फोर तो ये तो के माइनस फोर बाई फोर हुआ और जब नीचे देखेंगे तो ये आपका कितना आएगा ये होगा वन बाई नाइन प्लस वन बाई सिक्सटीन तो उसका अंडर रूट है यहाँ पर तो देखिए यहाँ कितना बनता है ये होगा के माइनस फोर डिवाइडेड बाई और यहाँ पर फोर टाइम ऑफ फोर नीचे ले लिया मैंने और ये सिक्सटीन प्लस नाइन ऊपर ट्वेंटी फाइव का रूट हो जाएगा यदि मैं एल्थम ले लूँ इसका तो ये हो जाएगा आपका और नीचे कितना हो जाएगा सिक्सटीन और नाइन जा वन फोर्टी फोर कुछ इस तरह से आएगा ये तो 144 तो 12 हो जाएगा अंडर रूट करेंगे तो ये आपका 12 हो गया यहाँ पर देखो और ये जो 4 थ्री जा ट्वेल्व कैंसिल होगा ये 3 ऊपर चला जाएगा तो हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि d इक्वल टू कितना होगा k माइनस फोर थ्री टाइम ऑफ और डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव का अंडर रूट फाइव इसका मोड आ गया तो यहाँ पर जो d की वैल्यू दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d की वैल्यू कितनी रखी आपको ये फोर है डी की वैल्यू है ये प्लस भी होगी तब भी आपके आंसर प्लस ही आएगा और माइनस होगी तब भी आंसर प्लस आए होगी ये मॉडुलस है तो ये वैल्यू हमारी आई फोर तो इसका मतलब ये है कि ये थ्री के माइनस फोर अपॉन फाइव की जो वैल्यू है ये प्लस फोर भी हो सकती थी और माइनस फोर भी हो सकती थी अब दो केस हो जाएंगे आपके पास या तो थ्री के माइनस फोर डिवाइडेड बाई फाइव टू फोर और या फिर थ्री के माइनस फोर डिवाइडेड बाई फाइव टू माइनस फोर तो ये वैल्यू आप ध्यान से तो देखेंगे तो पहले मैं इसको शोड़ करता हूँ ये थ्री के माइनस ट्वेल्व इक्वल टू कितना होगा माइनस ट्वेंटी तो थ्री के की वैल्यू हुई आपकी कितनी इसमें सपरेट कर देंगे तो ये आपका माइनस एट हो जाएगा तो के की वैल्यू होगी माइनस के एट बाई थ्री और यहाँ पर आप देखेंगे तो थ्री के माइनस ट्वेल्व इक्वल टू कितना हुआ आपका ये हुआ ट्वेंटी तो थ्री के की वैल्यू हो जाएगी थर्टी टू तो के की वैल्यू होगी आपकी थर्टी टू बाई थ्री और इस तरह से आप देखेंगे जो पॉइंट है देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा या तो जीरो के का मतलब जीरो कॉमा थर्टी टू बाई थ्री होगा और जीरो कोमा माइनस एट बाई थ्री होगा तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर अभी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखेंगे यहां दिया है आपको फाइन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट कोर्स थीटा साइन थीटा एंड कोर्स फाइव साइन फाइव तो यहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेक्नोमेट्री इंक्लूड किया है तो उसकी आइडेंटिटी की जरूरत पड़ सकती है कहीं चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंड परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन ज्वाइनिंग अब एक लाइन है जो ए बी को ज्वाइन कर रही है और ये है आपका पॉइंट कोर्स थीटा साइन थीटा और इसका कोऑर्डिनेट है आपका कोस फाइ साइन फाइ और ओरिजिन से हमें परपेंडिकुलर निकालना है ठीक है लेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी डी तो हमें पूछा गया है फाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन तो पहले तो मैं इसको इक्वेशन निकालना चाहूँगा टू पॉइंट फॉर्म से तो वाई माइनस ये एक्स वन वाई वन ये एक्स टू वाई टू चलिए वाई माइनस वाई वन कोस थीटा इक्वल टू साइन फाइ अपॉन माइनस साइन थीटा अपॉन कोस फाइ माइनस कोस थीटा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इन टू एक्स माइनस एक्स वन बोले तो वाई माइनस वाई वन ये साइन थीटा था और ये होगा आपका कोस थीटा तो आप देखेंगे यहाँ पर यह आएगा वाई माइनस साइन थीटा और इक्वल टू यहाँ साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग तो टू साइन टू कोस से शुरू करेंगे टू कोस से फाइव माइनस थीटा बाई टू इंटू साइन फाइव प्लस थीटा बाई प्लस यहाँ आएगा माइनस यहाँ आएगा बाई टू और नीचे जो कोसी माइनस कोस डी यही आएगा टू साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू इंटू एक्स माइनस कोस थीटा तो कोई कंपोनेंट यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है ये कैंसिल हो, हो रहा है आपका कैम कम्पोनेंट और इधर टू टू भी कैंसिल हो रहा है और यहाँ आपको मिलेगा y साइन थीटा y माइनस साइन थीटा इक्वल टू कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू अपॉन साइन फाइव प्लस थीटा अपॉन टू इंटू एक्स माइनस कोस थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको देखिए तो ये आएगा y वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू इधर आएगा आपका एक्स कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू और देखिए ये जो टर्म है ये आपका माइनस है और यदि ये माइनस लूँगा तो इस माइनस को मैं ऊपर एक्स के साथ ले जाता हूँ माइनस में यहाँ ये टर्म माइनस हो जाएगा तो ये तो मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर जब माइनस कोर्स है माइनस कोर्स और फाइव प्लस थीटा बाई टू इसको मैं राइट साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स माइनस कोर्स थीटा के साथ में तो माइनस का आएगा एक्स माइनस कोर्स फाइ प्लस थीटा बाई टू इंटू एक्स आपका हो गया फिर माइनस दूसरा चलेगा हमारा माइनस माइनस प्लस तो ये होगा कोर्स थीटा कोर्स फाइव प्लस थीटा बाई टू चलिए आगे बढ़ते हैं अभी इसे आप लिख सकते हैं कुछ इस तरह से देखिए कि साइन इस टर्म को लट लाता हूँ एक्स कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू कहाँ से आया ये वाला ये टर्म जो है ये वाला ये रहा और ये वाला टर्म जो है ये ये रहा इक्वल टू और ए, कितना वैल्यू आएगा ये देखिए ये वाली आएगी अच्छा मुझे जनरल फॉर्म में लाना फिर इधर ही रहने देता हूँ माइनस का क्या होगा साइन ये माइनस का आएगा कोर्स थीटा कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू और माइनस का ही होगा साइन थीटा साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू तो चलिए है बढ़ते हैं आगे इसलिए ये जो ये वाला टर्म है देखो ध्यान से देखो ये जो ये वाला टर्म है इसको मैं माइनस में लिख रहा हूँ कॉमन लेकर के इस तरह से तो इससे आपको याद आएगा शायद कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी ये फॉर्मूला होता था कोस ए माइनस बी के लिए तो इसको यूज करेंगे अभी यहाँ पर देखो इम्प्लाईज एक्स कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इक्वल टू और नहीं माइनस और ये होगा आपका कितना कोस ए माने यानी कि थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा बाई टू किसके साथ में कोस के साथ तो थीटा माइनस फाइव प्लस थीटा बाई टू और इक्वल टू रखेंगे आप लोग जीरो तो अभी कितना बनेगा ये ये एक्स कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू प्लस वाई साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इसको मैं उल्टा लिखूंगा अब जनरल फॉर्म दिखाने के लिए तो इसे लिखता हूँ कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू एक्स तो उस एक्स को मैं यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान दें ऐसे ध्यान दें इसको प्लस साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू इंटू वाई और माइनस कोस ये कितना हो जाएगा टू थीटा टू थीटा माइनस फाइव माइनस थीटा यानी कि कितना हो जाएगा ये कोस ऑफ टू थीटा माइनस थीटा थीटा माइनस फाइव बाई टू और इक्वल टू होगा जीरो तो जब आप इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे क्या होगी जनरल फॉर्म आपकी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो तो जब उसे आप कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी यहां पर देखो ये आएगी कोस फाइव प्लस थीटा बाई टू और बी की वैल्यू कितनी आएगी यह आएगी साइन फाइव प्लस थीटा बाई टू और जो सी की वैल्यू आएगी यह आएगी माइनस ऑफ कोस थीटा माइनस फाइव बाई टू और यदि मैं इसमें यहाँ पे माइनस कॉमन ले लूँ तो आपको पता है इसी का एक फॉर्मूला होता है आपका कोस ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कोस एक्स तो यहाँ आप देखें इसको मैं माइनस कोस और ये माइनस एक्स करूंगा इसको यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको फाइव माइनस थी बाई टू और ये इसके बराबर होगा यानी इस माइनस को भूल जाओ तो इसका नेगेटिव ये है देखो तो कोस ऑफ माइनस एक्स करूँ कोस एक्स इसे इसको नहीं रखना इसका कोई यूज नहीं कर रहा हूं मैं तो अभी क्या होगी वैल्यू यहां पर आपकी ए बी सी की वैल्यू मिल गई ये ए की वैल्यू है ये बी की वैल्यू और ये सी की वैल्यू तो चलिए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालते हैं कितनी है तो ये होगा सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट का मोडिलस यानी कि ये वाली होनी चाहिए माइनस कोर्स फाइव माइनस थीटा अपॉन टू डिवाइडेड बाई और ये क्या आएगा नीचे ए स्क्वायर ये होगा कोर्स स्क्वायर फाइव प्लस थीटा अपॉन टू प्लस साइन स्क्वायर फाइव प्लस थीटा अपॉन टू का अंडर रूट का मोड तो ध्यान से तो देखो ये जो डिनोमिनेटर में रूट के अंदर है ये को स्क्वायर एक्स प्लस साइंस स्क्वायर एक्स ये वाले तो वन हो गई टेंथ क्लास में आपने पढ़ा है और वन का अंडर रूट ये वन हो गया यानी डिनोमिनेटर को तो भूल जाओ और जो नोमिनेटर है माइनस ऑफ कोर्स समथिंग इसका आपने मॉडुलस लिया है तो ये आएगा आपका कोर्स ऑफ फाइव माइनस थीटा अपॉन टू अब आप यहाँ पर क्या करेंगे या तो आपको यही फार्मूला दे दिया जाएगा यही आपका आंसर हो जाएगा और या फिर आप इसको क्या कर सकते हैं या तो यही आंसर रख लो और या फिर इसको हम क्या कर सकते हैं ये कर सकते हैं हम ऊपर नीचे किसे मल्टीप्लाई करें ये जो आपका मोड था इसमें हम क्या करेंगे ये हम करते हैं कोस फाइव माइनस थीटा बाई टू ऐसे मल्टीप्लाई करता हूँ साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू से ऊपर नीचे साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू और टू से भी ऊपर नीचे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो देखो रिजल्ट क्या होगा ये होगा टू साइन एक्स कोस एक्स टू साइन एक्स को सेक्स अच्छा टू साइनस को तो साइन टू एक्स का फॉर्मला है यानी कि ये साइन ट्वाइस ऑफ क्या है एंगल फाइव माइनस थीटा बाई टू का ट्वाइस क्या होगा फाइव माइनस थीटा और नीचे क्या आएगा ये आ जाएगा आपका टू साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू का मोडिलस तो ये आंसर हो जाएगा आपका साइन फाइव माइनस थीटा अपॉन और यह भी आपका मोडुलस में ही है टू मोड साइन फाइव माइनस थीटा बाई टू तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और अभी सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे यहां पर दिया आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस ओके वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो गिवन टू लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाता हो ठीक है देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे टू लाइंस दे रखी हैं और इन दोनों लाइन का कहीं स्तर से है और जो देखिए मैं इनको स्केल से नहीं बना रहा हूँ समझाने के लिए दे रहा हूँ सिर्फ कि लाइन ज़रूरी नहीं है यहीं पे कट करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा उस पॉइंट से होकर जा रही है लाइन और ये वाई एक्सिस के पैरेलल है ये वाली लाइन का मुझे इक्वेशन निकालना है ठीक है तो एल वन और एल टू दोनों लाइन आपकी हाँ एल वन की इक्वेशन और एल टू की इक्वेशन मैं यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर दिया है आपको एक्स माइनस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और दूसरा दिया है आपको थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन वन इक्वेशन टू इन दोनों इक्वेशन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन आपकी जाएगी तो फिर से देखते हैं जरा यहाँ पर टेंथ क्लास का कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है देखिए ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे सोल्व किए हैं दोनों इक्वेशन को साइमटेनियसली टीन सोल्व कर देते हैं तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस थ्री एक्स हो जाएगा देखो तो दूसरी इक्वेशन से तो फ्रॉम टू y की वैल्यू माइनस थ्री एक्स हुई इसको हम पुट कर देंगे फर्स्ट में तो x माइनस सेवन टाइम ऑफ थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो तो एक्स प्लस ट्वेंटी वन एक्स प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो तो ट्वेंटी टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव और एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन ट्वेंटी टू और अभी हम क्या करेंगे इसको पुट करेंगे इन थ्री और यहाँ पर आपको वाई मिल जाएगा तो वाई की वैल्यू होगी माइनस थ्री टाइम ऑफ माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू और ये होगा फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी टू तो जो आपका पॉइंट है इंटरसेक्शन ये तो मिलता है मेरे को कितना माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू और ये फिफ्टीन बाई ट्वेंटी टू अब मुझे लाइन चाहिए जो वाई एक्सिस के पैरेलल है एज रिक्वायर्ड लाइन एल इज पैरेलल टू वाई एक्सिस तो क्या करेंगे इसमें इसका जो स्लोप होगा वो आपका इनफाइनाइट होगा का मतलब जो वन बाई एम की वैल्यू निकालूँ तो वो ज़ीरो हो जाएगी तो उस केस में हम क्या करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप लिखेंगे तो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन तो एम की वैल्यू क्या होगी वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन तो यहाँ से आप वन बाई एम की वैल्यू क्या करेंगे वन बाई एम की वैल्यू क्या होगी ये होगी आपकी x माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन चलिए वैल्यू रख दीजिए x माइनस और x1 की वैल्यू कितनी है देखिए एक्स वाई तो जनरल पॉइंट है और x1 y1 ये रहा आपका पॉइंट तो क्या होगा ये आपका ये x माइनस एक्स वन की वैल्यू है माइनस के फाइव बाई ट्वेंटी टू अपॉन वाई माइनस और y1 की वैल्यू है फिफ्टीन बाई ट्वेंटी टू इक्वल टू और वन बाई एम की वैल्यू कितनी है आपकी जीरो तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा देखिए Uh, ये तो इससे मल्टीप्लाई का जीरो हो जाएगा और यहाँ पर न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू जीरो तो x माइनस माइनस फाइव बाई ट्वेंटी टू यानी एक्स प्लस हो जाएगा आपका फाइव बाई ट्वेंटी टू इक्वल टू ज़ीरो तो स्टूडेंट तो, ये था आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स ये हमने मिटाया नहीं है फिफ्थ अभी ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है और अभी हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखेंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द लाइन एक्सअपॉइट 4 प्लस वाई 6 इक्व टू 1 थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट y एक्सिस ओके okay. आपको एक लाइन दी हुई है और ये लाइन जहां पर y एक्सिस को मीट करेगी उस पॉइंट से इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है तो जरा देखें ये मैं फिर से जो लाइन बना रहा हूँ ये स्केल से नहीं है मैं पहले बता रहा हूँ आपको ये आपकी x बाई फोर प्लस वाई बाई सिक्स इक्वल टू वन एक लाइन खींची मैंने ऐसी और ये जो y एक्सिस को मीट करेगी कहाँ मीट करेगी देखो यदि आप इंटरसेप्ट फॉर्म को देखें तो ये इंटरसेप्ट आपका फोर हो जाएगा और ये आपका सिक्स हो जाएगा और यहाँ पर कितना बनेगा आपका ये जीरो कॉमा सिक्स होगा अब वो ये कहता है इसे जीरो सिक्स पॉइंट से उसने बोला जहाँ पर ये लाइन वाई एक्सिस को मीट करती है ये लाइन एल है ये वाई एक्सिस को मीट करती है जीरो पे सिक्स पर क्योंकि इंटरसेट फॉर्म्स आपको अच्छी तरह क्लियर रहेगी एक्सटापॉन ए प्लस वाई अपॉन बी टू वन जब आप एक्सट्रापॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू फोर और बी की वैल्यू कितनी आएगी आपकी सिक्स आ जाएगी तो फाइन देशन लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर मुझे एक इक्वेशन चाहिए लाइन चाहिए उसकी इक्वेशन चाहिए मेरे को ये आपका लाइन है और ये तो आपको दिया हुआ है एलवन नाम हुँ, देता हूँ इसका जो रिक्वायर्ड लाइन को मैं हमेशा एल बोलता हूँ तो यहाँ पर रिक्वायर्ड लाइन जो होगी वो आपकी ये वाली लाइन होगी तो इस लाइन के लिए हमें निकालना है इक्वेशन तो पहले तो एक पॉइंट का आपको क्लियर हो गया यहाँ पर ये ए और ये बी तो ये बी पॉइंट आपका यानी कि जीरो कोमा सिक्स से पास हो रही है दूसरी बात यदि यहाँ पर हम इसका स्लोप निकाल लें तो उसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन होना चाहिए तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन यानी एल वन इसका स्लोप क्या होगा तो ये होता है आपका माइनस ऑफ कॉपिशेंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ वन बाई फोर अपॉन कॉपिशन ऑफ वाई क्या होगा यहाँ पर देखो वन बाई सिक्स तो ये हो जाएगा आपका माइनस का सिक्स बाई फोर यानी कि माइनस थ्री बाई टू और ये तो आपका एम वन हुआ यानी कि एल वन लाइन के लिए मुझे एम चाहिए इस लाइन के लिए एम चाहिए एम इसको मैं एम नाम दूंगा देयर फोर लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी एम तो एम इंटू एम डैश एज एल इज परपेंडिकुलर टू एल वन देयर m1 एम इंटू एम वन इक्वल टू माइनस वन इम्प्लाइज एम इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन देर फोर एम की वैल्यू आ गई आपकी कितनी माइनस ऑफ दिस रेसिप्रोकल ऑफ दिस यानी टू बाई थ्री आपको एम मिल गया अब दो चीज़ क्लियर है स्टूडेंट यहाँ पर स्लोप आपके पास है और ये पॉइंट जिससे होके जा रही है ये आपके पास है तो वन पॉइंट फॉर्म ही लगा देंगे हम लोग सो इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी होगी वाई माइनस वाई वन बोले तो सिक्स इक्वल टू एम बोले तो टू बाई थ्री और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू यहाँ पर जीरो ये आपका एक्स वन वाई वन बना तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर है वाई माइनस सिक्स को थ्री टाइम करेंगे और इधर आपका क्या होगा टू टाइम टू टाइम ऑफ एक्स माइनस जीरो इक्वल टू थ्री टाइम ऑफ वाई माइनस सिक्स ऐसे दूंगा तो टू एक्स इक्वल टू थ्री वाई माइनस एटीन तो ये होगा टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस एटीन इक्वल टू जीरो था आपका क्वेश्चन नंबर सेवन और अभी क्वेश्चन नंबर एट देखेंगे यहाँ दिया फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेंगल फॉर्म बाई द लाइन वाई माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो एंड एक्स माइनस के इक्वल टू ज़ीरो तो यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स दी हुई हैं और जब ये तीनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ट्रेंगल बनेगा और आपको उसका एरिया बताना है तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट यहाँ पर आपको दी गई हैं थ्री लाइन्स और जो इंसिन क्लोज एरिया है वो हमें फाइंड करना है तो लाइन दी गई है मैं रफली बनाता हूँ इसमें एक लाइन ये एक लाइन ये और एक लाइन ये ऐसे बना देता हूँ ठीक है लाइनों को नाम देता हूँ ये एल वन ये एल टू और ये एल थ्री ओके और जो इक्वेशन है एल वन के लिए एल टू के लिए और एल थ्री के लिए यहाँ लिख देता हूँ यह है आपके वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और दूसरा है एक्स प्लस यानी वाई प्लस एक्स इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई को जीरो दिया हुआ है और जो एल थ्री लाइन है यह आपका है एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो और यहाँ पर आपका वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वाई इक्वल टू ज़ीरो और एक्स माइनस के इक्वल टू जीरो चलिए पहले हम इन दोनों को सोल्व करेंगे किसको फर्स्ट को और सेकेंड को जब फर्स्ट को और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा सोल्विंग एल वन एंड एल टू तो ये होगा y माइनस एक्स इक्वल टू जीरो फिर y प्लस एक्स इक्वल टू ज़ीरो और जब ऐड करेंगे तो ये आएगा टू वाई इक्वल टू जीरो इम्प्लाईज वाई इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो आया जब वाई की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा इक्वेशन नंबर टू में तो फिर से आपका यहाँ पर क्या आएगा एक्स की वैल्यू जीरो और यहाँ पर एक्स की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी तो जो पॉइंट मिला वो आपका जीरो जीरो मिला कौन सा पॉइंट है जो एल वन एंड एल टू के साथ मिलता है तो ये हुआ आपका जीरो जीरो अब क्या करेंगे अब आप एल टू एंड एल थ्री को लेंगे ये तो जीरो जीरो मिल गया अब ये पॉइंट देखेंगे कितना आएगा इधर एल टू एंड एल थ्री को जब सोल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको देखिए ये पहले x प्लस वाई की वैल्यू जीरो है फिर x माइनस के की वैल्यू जीरो है चलिए सबट्रैक्ट करेंगे जब हम सबटैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो ये कैंसिल और y प्लस के इक्वल टू जीरो तो y इक्ल टू माइनस के और जब y की वैल्यू माइनस के आएगी तो इसको हम कहाँ रखेंगे इक्वेशन नंबर टू में रखेंगे तो x की वैल्यू माइनस वाई है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर k हो जाएगी तो यहाँ पर आपको पॉइंट मिला कितना k कोमा माइनस के और अभी आप इन दोनों को साथ साथ ले लीजिए तो सॉल्विंग l1 वन एंड एल इन दोनों की इक्वेशन लेंगे हम लोग तो ये कितनी आएगी देखिए यहाँ पर y माइनस एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो और ये एक्स माइनस के इक्वल टू ज़ीरो जब ऐड करेंगे हम लोग तो एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये वाई माइनस के इक्वल टू जीरो यानी कि वाई इक्वल टू के और यदि वाई इक्वल टू के है तो देखिए यहाँ पर हम लोग फर्स्ट में रखेंगे तो वाई इक्वल टू एक्स आता है यहाँ पर देखो यदि हम वाई को उधर ले जाएँ तो माइनस टू माइनस वाई यानी एक्स इक्वल टू वाई तो दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी के आ गई यानी ये के कोमा के हुई ठीक है तो चलिए रखते हैं एल वन एल टू के लिए ये जीरो ज़ीरो हो गया एल टू एल थ्री के लिए ये के कोमा माइनस के हो जाएगा और अब यहाँ पर के इतना आ जाएगा ये एल वन एल थ्री एल वन एल थ्री के लिए के कोमा के इसको मैं एक्स वन वाई वन नाम दूंगा इसको एक्स टू वाई टू इसको एक्स थ्री वाई थ्री और इससे हम फिर निकालेंगे क्या एरिया ऑफ द ट्रैंगल तो एरिया ऑफ ट्रेंगल का फॉर्मूला है देखो वन बाई टू इंटू एक्स वन प्लस क्या होता था याद करें एक्स वन इंटू ये होता है आपका एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू इंटू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस एक्स थ्री इंटू वाई वन माइनस वाई टू तो इस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर तो एरिया कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रैंगल वन बाई टू और यहाँ पर एक्स वन की वैल्यू कितनी है एक्स वन की वैल्यू होगी के और वाई टू की वैल्यू जीरो और वाई थ्री की वैल्यू माइनस के तो ये प्लस के हो जाएगा प्लस एक्स टू की वैल्यू जीरो तो ये होल टर्म जीरो हो क्या छोड़ दो एक्स थ्री की वैल्यू एक्स थ्री के और ये वाई वन की वैल्यू के एंड वाई टू की वैल्यू जीरो तो यहाँ कितना बना आपका वन बाई टू ऑफ ये होगा आपका अला के स्क्वायर प्लस फिर जीरो फिर के स्क्वायर यानी कि वन बाई टू ऑफ टू के स्क्वायर टू टू गेट कैंसिल और ये आपका आपका के स्क्वायर स्क्वायर यूनिट एरिया होगा आपका और अभी आप क्वेश्चन नंबर नाइन देखेंगे और जैसा कि अभी यहाँ पर आपको नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट थ्री लाइंस थ्री एक्स प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो थ्री एक्स माइनस वाई माइनस प्लस वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो और फिर क्या है पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्व टू ज़ीरो एंड टू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री टू ज़ीरो में इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट तो ये आपका एल वन एल टू एल थ्री तीन लाइन दी हुई है और ये कह रहे हैं यदि ये तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हों तो उस केस में आप पी की वैल्यू बताओ तो सबसे तो तो पहले मैं इक्वेशन नंबर वन टू थ्री में जो वन है और जो थ्री है यानी एल वन और एल थ्री इन दोनों लाइनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं देखो यहाँ पर आपको अच्छी तरह मालूम है इन दोनों को सोल्व कर लेंगे टेंथ क्लास की तरह तो ये होगा आपका थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू और टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री तो ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा ये आपका फाइव एक्स इक्वल टू फाइव इम्प्लाइज एक्स इक्वल टू वन अब एक्स की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रखूंगा। तो मैं पहली में रख देता हूँ तो जगह थ्री प्लस वाई इक्वल तो टू टू इम्प्लाइज वाई की वैल्यू आगे देखे कितनी वाई की वैल्यू आई आपकी टू माइनस वन और आप देखें जो एल वन एंड एल थ्री ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यदि क्या है आपका अभी वन कोमा माइनस वन तो तीसरी लाइन ये जो L2 है ये लाइन इससे होके जानी चाहिए तो इफ L1, L2, L3 आर कॉन्करेंट, देन पॉइंट वन कोमा माइनस वन मस्ट सेटिस्फाई पी एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो देखो पी और यहाँ पर वन हो जाएगा एक्स की वैल्यू प्लस टू वाई की वैल्यू माइनस वन माइनस थ्री इक्वल टू जीरो तो पी वन जा पी हो गया प्लस माइनस वन टू ज माइनस टू हो गया माइनस थ्री इक्वल टू जीरो पी माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो और इस तरह पी की वैल्यू आ गई आपकी फाइव तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइन अभी क्वेश्चन नंबर टेंथ देखिएगा टेंथ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और यहाँ पर आपको L1, L2 और L3 थ्री देखिए थ्री लाइन दी हुई हैं और तीनों को कोट की कंडीशन आपसे ड्राइव कराई गई है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि थ्री लाइन्स वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन वाई इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन ये l1 लाइन के लिए दे देते हैं हम सेकेंड लाइन किया है वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू और वाई इक्वल टू तीसरी लाइन दे रखी है वाई इक्वल टू एम थ्री एक्स प्लस सी थ्री तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है उसी तरह से है बिल्कुल वहाँ पर उन्होंने दी हुई थी और यहाँ पर भी उसके लिए उन्होंने कंडीशन पूछी तो L1, L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालिएगा और उस पर उस पॉइंट को आप L3 थ्री बढ़ाई करा दीजिएगा तो कंडीशन आ जाएगी तो चलो करके देखते हैं देन शो दैट तो प्रूफ करना है देखो यहाँ पर हमें मैं लिख लेता हूँ एम वन सी टू माइनस सी थ्री प्लस एम टू सी थ्री माइनस सी वन प्लस एम थ्री सी वन माइनस सी टू इक्वल टू ज़ीरो आपको प्रूव दैट है यानी आपको प्रूफ करना है चलिए कर देखते हैं तो सॉल्विंग वन एंड टू पहली दोनों इक्वेशन को हम सोल्ड करते हैं पहले तो ये एल वन है इस बार हम सीधे सीधे लेके चल रहे हैं तो ये आपका एल वन एल टू को सोल्ड करेंगे फिर कहेंगे कि एल थ्री भी उसी से जा रही है तो पहली दोनों लाइन के लिए वन टू के साथ का ऑपरेशन करना आसान रहेगा तो फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू एं इनको नाम दे नंबर दे देता हूँ चलिए वन टू थ्री तो क्या होगा दोनों भी देखिए जहाँ से देखिए वाई वाई की वैल्यू है तो इक्वेट कर सकते हो राइट right साइड से तो ये होगा एम वन एक्स प्लस सी वन इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू तो ये होगा एम वन माइनस एम टू ऑफ एक्स इक्वल टू सी टू माइनस सी वन यहाँ से एक्स की वैल्यू मिलेगी दैट इज सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू अब इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो वाई की वैल्यू मिलेगी तो पुट इन इक्वेशन नंबर वन तो वाई की वैल्यू क्या आएगी देखो ये आएगी आपके यहीं से लेता हूँ पुट इन इक्वेशन नंबर वन तो y की वैल्यू आ रही है आपके m1 और x की वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं दैट इज c1 c2 सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू प्लस सी वन शोल्ड कीजिएगा तो ये होगी m1 c2 सी टू माइनस एम वन सी वन प्लस इसे मल्टीप्लाई करें यहाँ तो होगा m1 c1 और माइनस एम टू सी वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम वन माइनस एम टू तो देखिए कुछ कैंसिल होता है क्या एम वन सी वन होता है देखो यहाँ पे तो आपको मिलता है ये वैल्यू कितनी एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू ये वाई की वैल्यू हुई तो एज लाइंस लाइन्स आर कॉन्ग्रेंट एज लाइंस L1, L2, L3 टू कॉन्करेंट तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी भाई तो ये पॉइंट जो अभी हमने निकाला एक्स वाई सो so, ये तीसरी लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो चलिए इस लाइन के लिए लिखते हैं तो y, y की वैल्यू कितनी है एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू इज इक्वल टू एम थ्री टाइम ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए ये आपका सी वन माइनस सी सी टू माइनस सी वन सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू और प्लस सी थ्री तो इसे हम लिख सकते हैं देखो आगे तक ले जाता हूँ मैं तो ये होगा एम थ्री सी वन माइनस एम थ्री एम थ्री सी टू था पहले माइनस एम थ्री सी वन प्लस इसको आगे ले जाता हूँ एम थ्री एम वन एम वन सी थ्री माइनस एम टू सी थ्री होल डिवाइडेड बाई एम वन माइनस एम टू अब ये वाली जो वैल्यू है ये इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी तो इम्प्लाइज करेंगे एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन इक्वल टू एम थ्री सी टू माइनस एम थ्री सी वन प्लस एम वन सी थ्री माइनस एम टू सी थ्री अब देखते हैं ये कंडीशन हमारी मिलती है कि नहीं पहले एम वन के लिए लेते हैं इम्प्लाइज एम वन सी टू माइनस एम टू सी वन माइनस इन सभी टाइम को मैं लेफ्ट में लाता हूँ पहले एम थ्री सी टू प्लस एम थ्री सी वन माइनस एम वन सी थ्री प्लस एम टू सी थ्री इक्वल टू जीरो अब शुरू करेंगे हम लोग तो पहले एम वन के साथ देखिए क्या क्या आता है तो ये आता है देखो C2 और M1 के साथ ये C3 देखो ये दोनों टर्म आ गए दिस एंड दिस तो C2 टू माइनस सी प्लस अब हम क्या लेंगे M2 लेंगे M2 के साथ देखेंगे क्या क्या आता है ये रहा ये आपका आएगा C3 देखो C3 थ्री माइनस सी तो C3 थ्री माइनस सी प्लस अब M3 लीजिएगा तो C1 वन माइनस सी टू सी वन माइनस सी टू कोई बाकी रहा टाइम कोई बाकी नहीं रहा इक्वल टू जीरो और यही हमें प्रूफ करना था Hence, uh, प्रूव ये क्वेश्चन नंबर इलेवंथ देखेंगे यहाँ दिया है आपको फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट थ्री कोमा टू विच मेक एन एंगल फोर्टी फाइव डिग्री विद द लाइन एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू थ्री तो आइए देखते हैं एक लाइन दी है और उसके साथ में 45 डिग्री पर एक दूसरी लाइन निकालनी है इसकी इक्वेशन निकालनी है इन्फेक्ट तो यहाँ पर यह लाइन है क्वेश्चन नंबर आपका 11 है यहाँ आपकी लाइन है ये और इसका इक्वेशन दिया हुआ है उन्होंने x माइनस टू वाई एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्व टू जीरो टू थ्री दिया उन्होंने मैंने माइनस थ्री इक्व टू जीरो टू है और हमें एक दूसरी लाइन चाहिए कहीं ये लाइन मुझे चाहिए तो ये जो पहली लाइन है ये तो उन्होंने दी है एल वन नाम दे देता हूँ मेरे को जो एल है वो रिक्वायर्ड लाइन और ये इसके साथ फोर्टी फाइव डिग्री एंगल बनाती है जरा देखिए ये ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है तो ये भी तो एल हो सकती है तो हम देखेंगे ट्राई करेंगे अभी तो स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ लाइन एल वन जो गिवन लाइन है या लिखेंगे स्लोप ऑफ गिवन लाइन गिवन लाइन कितना है भाई ये होगा माइनस ऑफ कॉफिशेंट ऑफ एक्स अपॉन कॉपिशंट ऑफ वाई तो ये हो गया आपका वन बाई टू और लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी एक् एम ले लेता हूं मैं तो अभी इनके बीच का एंगल जो है दिया हुआ है आपका लाइन के साथ में ये फोर्टी फाइव डिग्री है तो अभी मैं एक लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो तो यहाँ देखिएगा तो टेन थीटा की वैल्यू लगाएंगे हम लोग फॉमूला है हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू का मोड और ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है और टेन थीटा में यहाँ टेन क्या डालूँगा आपको फोर्टी फाइव और यहाँ पर एम वन तो एम वन है ही तो रिक्वायर्ड लाइन जो हमारे जो गिवन लाइन उसका एम था रिक्वाड लाइन का हमने एम लिया था तो एम की वैल्यू कितनी आई आपकी वन बाई तो एम को मैं एम मान लेता हूँ यहाँ पर एम को मैं एम मान लेता हूँ तो कितना हो जाएगा आपका एम माइनस एम की वैल्यू वन बाई टू अपॉन्ट वन माइनस एम इन टू वन बाई टू का मोड तो यहाँ पर आएगा वन इक्वल टू टू एम माइनस वन अपॉन्ट टू ये हो जाएगा टू प्लस एम अपॉन्ट टू 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 को कैंसिल करता हूँ मोडलस किसका बना वन इक्वल टू टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम अब ध्यान से देखिए इसको मैं यदि मोडलस को हटाऊं तो ये आपका प्लस माइनस हो सकता है प्लस माइनस वन तो ये मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ और यहाँ पर टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम को एक बार हम वन लेंगे फिर टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम को एक बार माइनस वन लेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी देखो टू एम माइनस वन इक्वल टू टू प्लस एम लेफ्ट में लाएंगे तो एम रह जाएगा राइट right ले जाएंगे तो थ्री हो जाएगा एम की वैल्यू थ्री आई आगे देखिए यहाँ पर ये टू एम माइनस वन की वैल्यू माइनस टू माइनस एम हो जाएगी इधर लाएंगे तो थ्री एम उधर जाएगा तो आपका माइनस वन हो गया तो अभी कितनी वैल्यू होगी आपकी एम की वैल्यू होगी माइनस के वन बाई थ्री तो यहाँ पर आप देखेंगे अभी दो केस हो जाएंगे एक में एम की वैल्यू आपकी थ्री है और दूसरे में एम की वैल्यू माइनस वन बाई थ्री है और जो पॉइंट है जिससे होकर जा रही है लाइन ये आपको दिया हुआ है कितना दिया देखो यहाँ पर ये थ्री कॉमा टू तो यहाँ पर थ्री कॉमा टू इज द पॉइंट थ्रू विच लाइन इज पासिंग तो ये थ्री कॉमा टू लेता हूँ मैं यहाँ पर अब आपके पास वन पॉइंट स्लोप फॉर्म मिल गई ये एक्स वन वाई वन ले लेंगे तो ये होगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन तो क्या होगी इक्वेशन y माइनस टू इक्वल टू एम की वैल्यू थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री तो यह आएगा थ्री एक्स माइनस नाइन और ये y माइनस टू तो इक्वेशन आएगी आपकी कितनी थ्री एक्स माइनस वाई माइनस नाइन प्लस टू इक्वल टू जीरो यानी कि थ्री एक्स माइनस वाई माइनस सेवन इक्वल टू ज़ीरो और दूसरी इक्वेशन देखेंगे तो ये आएगी y माइनस वाई वन की वैल्यू टू इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी है माइनस के वन बाई थ्री एक्स माइनस थ्री तो ये होगा माइनस के कितना हुआ यहाँ पर देखो थ्री वाई माइनस टू थ्री जा सिक्स इक्वल टू होगा यहाँ पर माइनस का एक्स और माइनस का प्लस हो जाएगा ये आपका थ्री तो इधर लाएंगे तो ये बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस थ्री में एक्स आ जाएगा इधर प्लस थ्री वाई आ जाएगा और माइनस सिक्स और ये प्लस थ्री भी इधर आकर के थ्री माइनस का हो जाएगा जीरो तो एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो आपकी सेकेंड इक्वेशन बनेगी तो स्टूडेंट ये ये था आपका क्वेश्चन इलेवन एंड नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जैसा कि यहां पर आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन फोर प्लस सेवन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड टू माइनस थ्री वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द ओके। तो यहां पर आपको एक लाइन का इक्वेशन निकालना है जो दोनों एक्सिस पर इक्वल एक इंटरसेप्ट बनाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर ए इक्वल टू बी दिया हुआ है और ये जो लाइन है फोर एक्स प्लस सेवन वाई इक्वल टू थ्री एंड टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस वन इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो होकर जा रही है इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है तो पहले इन दोनों लाइन को सोल्ड करता हूँ जो फर्स्ट लाइन है ये रही और सेकंड लाइन को मैं क्या करता हूँ ये फोर और एक्स प्लस सेवन वाई है हाँ ठीक है तो इसको मैं टू से मल्टीप्लाई करता हूँ सेकंड इक्वेशन को तो ये क्या हो जाएगा आपका फोर एक्स प्लस माइनस सिक्स वाई इक्वल टू माइनस टू अब इसको और इसको इन दोनों इक्वेशन को मैं कंसिडर करता हूँ और फर्स्ट में से यह थर्ड वाली इक्वेशन सपरेट कर देता हूँ तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर वन माइनस थ्री ऑपरेशन से आपको मिलेगा फोर एक्स फोर एक्स कैंसिल होगा सेवन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थर्टीन वाई इक्वल टू फाइव और वाई का ड होगा फाइव बाई थर्टीन और अभी वाई की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर वन में रख दीजिए तो फ्रॉम वन आपको मिलेगा देखो यहाँ पर फोर एक्स प्लस सेवन और वाई की वैल्यू फाइव बाई थर्टीन इट इज़ इक्वल टू थ्री तो फोर एक्स प्लस थर्टी फाइव बाई थर्टीन इक्वल टू थ्री फोर एक्स इक्वल टू जाएगा थ्री माइनस थर्टी फाइव बाई थर्टीन तो थर्टीन थ्री जा ये हो जाएगा आपका थर्टी नाइन माइनस थर्टी फाइव बाई थर्टीन तो ये होगा फोर बाई थर्टीन देखिए फोर एक्स फोर फोर कैंसल तो एक्स की वैल्यू होगी वन बाई थर्टीन तो जो आपको पॉइंट मिला ये कहीं यहां मिल जाएगा ए पॉइंट एक्स की वैल्यू वन बाई थर्टीन और वाई की वैल्यू फाइव बाई थर्टीन इस पॉइंट से होकर के जा रही है अब लेट इक्वेशन ऑफ लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है आपको मालूम है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लेंगे ए इक्वल टू बी दिया हुआ है तो एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन एम्प्लाइज एक्स प्लस वाई इक्वल टू बी और ए, जो पॉइंट ए है ये इसके ऊपर लाई करता है एज वन बाई 13 5 बाई 13 लाइज ऑन the लाइन therefore इसका इसको सब्सटूट करेंगे तो ये सर्टिफाई करना चाहिए तो वन बाई 13 प्लस फाइव बाई 13 इक्वल टू बी एम्पलाइ सिक्स बाई 13 इक्वल टू क्या होगा आपका बी की वैल्यू होगी इसको यहाँ सब्सटूट कर देंगे तो फोर्टीन इक्वेशन नंबर वन आपको क्या मिलेगा यहाँ पर इसको थ्री इक्वेशन लिखना पड़ेगा वन टू थ्री फोर इक्वेशन लिखना पड़ेगा तो फोर्थ इक्वेशन में रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी ये तो आपका एक्स था ये वाई था बी की वैल्यू कितनी थी ये सिक्स बाई थर्टीन तो आप लिख सकते हैं थर्टीन एक्स प्लस थर्टीन वाई इक्वल टू सिक्स या लिख सकते हैं थर्टीन एक्स प्लस थर्टीन वाई माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो तो दिस इज योर इक्वेशन ऑफ लाइन और अभी आप क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखेंगे और यहां पर आपको दिया गया है शो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सीजिए वाई बाई एक्स इक्व टू एम प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस प्लस एम टेन थीटा चलिए ट्राई करते हैं ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ज़्यादा टफ होते नहीं हैं आपको देखने में लगता है ऐसा और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो थोड़ा तो ध्यान देकर के चलेंगे स्टूडेंट जैसे कि दिया द शोधर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल थीटा विद द तो ये एक लाइन है और ये कहीं ओरिजिन से जा रही है देखिए और एक और लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में थीटा एंगल बना रही है एक और लाइन है यह आपकी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसके साथ एंगल थीटा बना रही है तो उसकी इक्वेशन निकालनी है इसी और क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व या थर्टीन थर्टीन तो यहां पर आप देखेंगे इसका स्लोप मान लेता हूं मैं एम डैस लेट स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन बी एम डैस तो यूजिंग टेन थीटा फॉर्मला है आपके पास बीच का जो एंगल है एंगल बिटवीन टू लाइन वाला टेन थीटा इक्वल टू कितना होगा एम टू माइनस एम वन यानी एम डैस माइनस एम अपॉन वन प्लस एम इन टू एम डैस का मोड तो आप देखेंगे इसे हम लिख सकते हैं एम डैस माइनस एम अपॉन वन प्लस एम इन टू एम डैस का मोड इक्वल टू ये आपका प्लस थीटा प्लस का टेन थीटा भी हो सकता है और माइनस का भी यानी एक्चुअली ये टेन थीटा की वैल्यू जो होगी ये ये जो वैल्यू थी ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है ये समझ सकते हैं आप लोग तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर टेन थीटा इसे मैं उल्टा लिखूंगा तो ऐसा हो जाएगा ये एम डैस माइनस एम एम्प्लाइज एम डैस माइनस एम अपॉन वन प्लस एम इन एम डैस इक्वल टू प्लस माइनस टेन थीटा ऐसे लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको रिजल्ट एम डैस माइनस एम इक्वल टू ये होगा प्लस माइनस टेन थीटा इन वन प्लस एम एम डैस चलिए ये होगा आपका प्लस माइनस टेन थीटा प्लस प्लस माइनस टेन थीटा एम एम डैस और यहां पर क्या आएगा एम डैस माइनस एम मुझे एमडैस निकालना है तो एमडेस वाले टर्म को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ तो ये होगा एम डैस और माइनस प्लस जब इधर लाएंगे साइन चेंज होगा तो प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा टेन थीटा इंटू एम एम डैस एम एम देश, तो ऐसे मैं ऐसे लिखूँ एम एम टेन थीटा इक्वल टू तो इधर क्या मिलेगा इधर मिलेगा आपका एम प्लस माइनस ये इधर जाकर प्लस हो गया मैं, एम जो है और ये प्लस माइनस टेन थीटा जो ये, थी, ये ये वाली वैल्यू थी आपकी ये ये रही और अभी आप देखेंगे यहाँ पर एम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आएगा आपका ये आएगा वैल्यू वन माइनस प्लस एम टेन थीटा इक्वल टू एम प्लस माइनस टेन थीटा इसको मैं हटा देता हूं कंफ्यूजन करेगा आपको तो एमडेस की वैल्यू आ गई आपकी एम प्लस माइनस टेन अपॉन वन माइनस प्लस वन माइनस प्लस एम टेन थीटा अब जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो कैसे करेंगे हम लोग उसने बताया ओरिजिन से जाता है तो y माइनस वाई वन एक्स वन वाई वन ये रहा आपका और स्लोप आपके पास है तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे तो पॉइंट जो आपका ये जिससे जा रहा है वो आपका ओरिजिन है ये एक्स वन वाई वन पुट करो y माइनस वाई वन यानी वाई वन जीरो इक्वल टू एम एम डैश इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये भी आपका जीरो हुआ यानी कि y इधर बचा है उधर आपका x है यानी आप ऐसे देख सकते हो कि y इक्वल टू एम डैस इन टू एक्स और ए, y अपॉन x इक्वल टू होगा एम डैस एड एम डैस की वैल्यू कितनी हो जाएगी एम डैस की वैल्यू यहाँ से रखेंगे m प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन वन माइनस प्लस एम टेन थीटा तो स्टूडेंट ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन तो यही हमें प्रूफ करना था और अभी क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखेंगे और क्वेश्चन नंबर फोर्टीन में पूछा गया है इन व्हाट रेशियो द लाइन ज्वाइनिंग माइनस वन वन एंड फाइव सेवन विल डिवाइड द लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर देखिए यहां पर uh, ये दो पॉइंट है एक माइनस वन कोमा वन एक फाइव कोमा सेवन बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये टेंथ क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन था ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर यहाँ लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर ये लाइन इसको किस रेशो में कट करेगी चलिए तो हम मान लेते हैं कि ये के एच टू वन के रेशो में कट करेगी तो सेक्शन फार्मूला लगाएंगे एज लाइन इज डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ए बी इन के टू वन रेशो लेट पॉइंट जो आपका यहाँ पर ए है इसके मैं पॉइंट कोर्डिनेट मान लेता हूँ एच एंड के एच एंड के तो एच की वैल्यू जो निकालेंगे कितना होगा के इंटू फाइव ये उधर जाता है और ये इधर जाता है आपको मालूम होगा तो के इंटू फाइव प्लस वन इन टू ये माइनस वन हो जाएगा अपॉन के प्लस वन यानी कि फाइव के माइनस वन अपॉन के प्लस वन और जब हम के की वैल्यू निकालेंगे ओके एच एंड के यहाँ पी ले देता हूँ एच एंड पी तो यहाँ पी ले लीजिए तो पी की वैल्यू कितनी होगी ये होगी के इंटू सेवन के इंटू सेवन प्लस वन इंटू वन हो जाएगा ये ऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं पहले ऐसी था ये के प्लस वन तो कितना मिलेगा आपका सेवन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन अब जो ये पॉइंट मिला आपको ए ये कितना मिला आपका ये फाइव के प्लस माइनस वन अपॉन के प्लस वन और दूसरा क्या था सेवन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन ये हमें पॉइंट मिला अब ये पॉइंट क्योंकि लाइन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर पर लाई करता है तो ये उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो एज पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर लाइन यही है ना एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर सो इट मस्ट सेटिस्फाइड द लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन तो एक्स की वैल्यू रखेंगे ये होगा फाइव के माइनस वन अपॉन के प्लस वन प्लस वाई की वैल्यू कितनी है ये सेवन के प्लस वन अपॉन के प्लस वन इक्वल टू फोर एल्शियम लेते हैं के प्लस वन ऊपर आता है आपका फाइव के माइनस वन प्लस सेवन के प्लस वन इक्वल टू फोर ये प्लस वन माइनस कैंसल आपका मिलेगा ऊपर ये ट्वेल्व के और इक्वल टू ये होगा फोर के प्लस फोर तो एट के इक्वल टू फोर और के इक्ल टू फोर बाई एट तो ये वन बाई टू देर फोर हमने के एच टू वन में माना था के की वैल्यू वन बाई टू आई तो रेशियो क्या बन जाएगा आपका जो के की वैल्यू होगी आपकी

और यहां पर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन में जो डिस्टेंस दी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है यहां पर कुछ इस तरह से दिया है कि डिस्टेंस ऑफ द लाइन ये लाइन मैं ऐसे लेता हूं क्या है भाई 4x एक्स प्लस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो फ्रॉम द पॉइंट तो हम यहां पर पॉइंट ले लेते हैं क्या पॉइंट आपका माइनस वन कोमा टू वन कोमा टू यहां से लेना है और अलोंग द लाइन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो तो मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन के पैरेलल ये एक लाइन दी है जो इक्वेशन है टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो और इस पॉइंट से यहाँ ले लेता हूँ पॉइंट इस पॉइंट से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना निकाल करके जो गिवन लाइन है ये एल डे से एल वन है और ये एल टू है तो एल टू के पैरल हमें लाइन ये ये डिस्टेंस निकालना है ये ये डिस्टेंस चाहिए डी आपकी समझ में आया होगा तो सबसे पहले तो मैं इस पॉइंट से होकर जाने वाली एक लाइन निकालूंगा जो इसके पैरेलल हो जो इसके पैरेलल हो आप देखो समझ में आ रहा होगा आपको तो इस पॉइंट को मैं ए करता हूं और जहां पर पॉइंट मीट करता है इस लाइन को ये बी कर देता हूँ और इस लाइन का नाम मैं रखता हूँ एल थ्री तो स्लोप ऑफ एल टू इस वाली लाइन का स्लोप क्या होगा ये होगा देखो यदि मैं लिखूँ तो वाई इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा और y का टू एम एक्स प्लस सी से जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो स्लोप टू आ जाएगा तो स्लोप ऑफ एल्टू क्या होगा m इक्वल टू टू या दूसरा तरीका भी है आपको निकालने का ये आपका क्या होता है याद करो ये होगा कॉपशंट ऑफ x माइनस ऑफ कॉपशंट ऑफ x अपॉन कॉपशनट ऑफ y तो ये मारे मान कट जाएगा ये टू हो जाएगा तो इसका आपको स्लोप मिला इसको मैं एम टू बोलूँगा एम टू बोलूँगा क्योंकि ये एल टू के कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप है आप जरा देखेंगे तो जो ए बी है ये ए बी इसके पैनल है तो एज ए एल थ्री इज पैरल टू एल टू देअर फॉर एम थ्री की वैल्यू कितनी होनी चाहिए एम टू स्टॉप ऑफ इसका एल थ्री का मैं एम थ्री मान लेता हूँ तो दैट्स तो इक्वल टू तो टू देरफोर इक्वेशन ऑफ एल थ्री क्या होगा ये होगा वाई माइनस वाई वन की वैल्यू से तो एक्स वन वाई वन ले, ले लीजिएगा टू इक्वल टू तो एम थ्री इंटू एक्स माइनस वन तो ये आएगा वाई माइनस टू इक्वल टू एम थ्री की वैल्यू कितनी है ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वन और यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी यहीं से शुरू करता हूँ ये वाई माइनस टू इक्वल टू टू एक्स माइनस टू इम्प्लाइज टू एक्स माइनस वाई और टू एक्स माइनस वाई और बस इतना ही है इक्वल टू ज़ीरो क्योंकि ये माइनस टू माइनस टू तो कैंसिल हो गया आपका तो टू एक्स माइनस वाई कोट जीरो तो ये आपकी इक्वेशन हो गई वन और थ्री वाले के रेस्पेक्ट मैं थ्री इक्वेशन दूंगा नाम और जो अब इक्वेशन नंबर टू एल वन एल वन के लिए इसे इक्वेशन नंबर वन रख देंगे एल टू के कॉरस्पॉन्डिंग को इक्वेशन टू रख देंगे और ये अभी हमारी इक्वेशन थ्री आई तो सोल्विंग अभी हम क्या करेंगे इस इक्वेशन को जो हमारी एल थ्री वाली लाइन है और एल वन इन दोनों में जब मैं सोल्व करूंगा तो ये बी पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो सोल्विंग इक्वेशन वन एंड थ्री तो देखिए वन क्या है आपका फोर एक्स प्लस सेवन वाई प्लस फाइव इक्वल टू ज़ीरो और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मैं इसको राइट में ले जाऊँ तो वाई इक्व टू टू एक्स यहाँ सब कर दीजिए तो फोर एक्स प्लस सेवन इंटू टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो और ये होगा आपका फोर एक्स प्लस फोरटीन एक्स इक्ल टू माइनस फाइव एटीन एक्स इक्ल टू माइनस फाइव एक्स इक्ल टू माइनस फाइव बाई एटीन एंड देयर फोर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर सब टूट कर दिए वाई इक्वल टू टू एक्स हो जाएगा तो माइनस के टेन अपॉन एटीन तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी कितनी माइनस के फाइव बाई नाइन तो इस तरह से जो बी पॉइंट है ये होगा आपका माइनस फाइव बाई एटीन और माइनस फाइव बाई नाइन आइए यहाँ वैल्यू चेक करते हैं तो बी पॉइंट है और ये माइनस फाइव बाई एटीन और माइनस फाइव बाई नाइन अब हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी डी नथिंग बट ए बी और ये अंडर रूट होगा किसका देखो ये होगा माइनस फाइव बाई एटीन माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस फाइव बाई नाइन माइनस टू का स्क्वायर तो देखिए ये वैल्यू आएगी आपके कितनी बनती है ये होगा एटीन वन जाए एटीन और फाइव माइनस का ट्वेंटी थ्री अपॉन एटीन का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कितना ये होगा नाइन टू जटीन और ए, प्लस ये भी ट्वेंटी थ्री हो गया ट्वेंटी थ्री बाई नाइन का स्क्वायर तो कितना होगा ये वैल्यू इसमें ट्वेंटी थ्री बाई नाइन जो है मैं दोनों में कॉमन ले लेता हूँ इसे मैं कुछ तरह लिखता हूँ देखो जो माइनस ए का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर के बराबर होता है तो ट्वेंटी थ्री बाई एटीन का स्क्वायर ले, ले लेता हूँ मैं तो यहाँ पर क्या होगा नाइन का स्क्वायर ले, ले लेता हूँ इनफैक्ट तो यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ वन बाई टू का स्क्वायर बचेगा और प्लस यहाँ पे वन का स्क्वायर बचेगा तो इसे मैं बाहर निकाल लूँ तो इसको मैं बाहर निकालूँगा तो वैल्यू क्या आएगी ये तो हो जाएगी आपकी कितनी ट्वेंटी थ्री बाई नाइन और यहाँ वन बाई टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका वन बाई फोर और ये हो गया आपका वन तो क्या बनेगा फाइव फोर बन जाए फोर एंड वन फाइव तो so 23 थ्री रूट फाइव और ये था आपका नाइन और नीचे आएगा आपका रूट फोर की वैल्यू टू तो आप लिखेंगे ट्वेंटी थ्री रूट फाइव अपॉन एटीन यूनिट तो आपका डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस लाइन तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन और आइए अभी सिक्सटीन क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर आपको दिया हुआ है

देखिए अभी यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है देखो जैसा यहाँ पर है। अभी आप समझ सकते हैं कि एक लाइन दी है आपको ये क्वेश्चन सिक्सटीन स्टार्ट कर रहा हूँ देखो ध्यान से देखो पहले क्वेश्चन के साथ मैं कोरिलेट करता हूँ क्वेश्चन को तो यहाँ पर एक पॉइंट दिया उन्होंने ए पॉइंट सिक्सटीन क्वेश्चन में ये पॉइंट हो जाता है आपका माइनस वन टू ये वन टू था, था ये माइनस वन टू हो गया अब वो कहता है यहां से किस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करूँ डी जो ये वैल्यू कितनी आए डी इक्वल टू थ्री यूनिट आए तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है वो कहता है किस डायरेक्शन में मेजर करूँ। तो मानो जिस लाइन के पैरेलल हम इसको ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन का मतलब स्लोप ऑफ लाइन कितना है जिसके हम पैरेलल इसको ले रहे हैं वो एम है तो इसका एम इ कॉल क्या होगा यदि एक्स एक्स के साथ एंगल बिना थीटा बनाए लेट डायरेक्शन मेक्स एन एंगल डायरेक्शन लाइन बोल दूं मैं डायरेक्शन लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस देन एम की वैल्यू क्या हो जाएगी टेन थीटा अब हमें ये थीटा की वैल्यू निकालनी है तो यदि मैं इसका स्लोप एम मान लूँ डायरेक्शन लाइन का ये कोई डायरेक्शन लाइन है डायरेक्शन लाइन है और यदि इसका स्लोप एम है तो ए बी का स्लोप भी आपका एम होगा अब इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी हम पहले कैलकुलेट करेंगे और ये लाइन का इक्वेशन में दे रखा देखो x प्लस वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर तो ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल रहे हैं ए बी इक्वेशन ऑफ ए बी तो ये होगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू लेट्स वो बी एम तो एक्स माइनस वाई माइनस वाई वन वाई वन की वैल्यू है ये एक्स वन है ये वाई वन है तो ये कितना हो जाएगा आपका वाई माइनस वाई वन बोले तो टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन बोले तो माइनस वन तो ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर तो एम एक्स प्लस एम और ये हो गया आपका वाई माइनस टू तो वाई प्लस एम एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा एम प्लस टू वाई माइनस एम एक्स वाई माइनस एम एक्स इक्वल टू एम प्लस टू तो एक ही क्वेश्चन तो ये हो गई और दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या है आपकी देखिए ये पहले वाली इक्वेशन और ये जो ये वाली मैंने अभी इक्वेशन निकाली है इक्वेशन नंबर थ्री करता हूँ टू गायब है टू हम यहाँ पर ले नहीं रहे देखो बिल्कुल पहले वाले की तरह कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका इस केस में देखो तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर ये क्वेश्चन नंबर वन है इन दोनों को यदि मैं सोल्ड करूँ तो या आप ये समझिए इसी को मैं लाइन टू ले लेता हूँ अब आपको देख पता लगेगा कि टू टू इक्वेशन कहाँ है तो ये वन एंड टू हो गई तो तो अभी हम लोग इक्वेशन वन को सबटेट करेंगे वन माइनस टू टू को सब्टेट कर रहा हूँ यहाँ पे वन से तो टू को हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस ये प्लस और ये आपका माइनस और ये माइनस तो क्या बनेगा देखो पहले तो मैं आपको बताऊँ वाई वाई कैंसिल हो जाएगा फिर यहाँ एक्स प्लस एम एक्स इक्व टू होगा आपका फोर माइनस एम माइनस टू तो यहाँ पर वन प्लस एम टाइम ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका टू माइनस एम और एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम तो ये स्टूडेंट आपका एक्स आया और इस वैल्यू को हम सब्सिट्यूट करेंगे कहाँ है इक्वेशन नंबर वन में ये आपका इक्वेशन वन है एक्स प्लस वाई इक्व टू फोर तो पुट इन इक्वेशन नंबर वन तो वाई की वैल्यू आएगी देखो फोर माइनस एक्स डी फोर माइनस और एक्स की वैल्यू है टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी फोर माइनस फोर प्लस फोर एम माइनस टू प्लस एम अपॉन वन प्लस एम तो इस तरह से वाई की वैल्यू आ गई आपकी कितनी फोर एम और एम फाइव एम प्लस टू अपॉन वन प्लस एम तो ये एक्शन वाई की वैल्यू आपको मिल गई है और ये जो आपको वैल्यू मिली है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कोर्डिनेट मिलेंगे आपको क्या है ये आपका टू माइनस एम टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम और दूसरा क्या था ये है फाइव एम प्लस टू अपॉन वन प्लस एम अब आप ये जो ए बी डिस्टेंस है डी तो इसका फार्मूला लगाएंगे तो ए बी की वैल्यू यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो अंडर रूट ऑफ टू माइनस एम अपॉन वन प्लस एम माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस फाइव एम प्लस टू अपॉन वन प्लस एम माइनस टू का स्क्वायर और यहाँ पर ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी आपके टू माइनस एम प्लस वन प्लस एम अपॉन वन प्लस एम का स्क्वायर ये रूट हट जाएगा प्लस फाइव एम प्लस टू माइनस टू माइनस एम ये टू एम हो जाएगा और डिवाइडेड बाई होगा आपका वन प्लस एम और ए, इसका स्क्वायर होगा और अभी आप देखेंगे तो ये होगा आपका थ्री अपॉन वन प्लस एम का स्क्वायर और ये होगा थ्री एम फाइव माइनस टू थ्री एम अपॉन वन प्लस एम का स्क्वायर तो इस तरह से आपको मिलेगा नाइन और ए बी की जो वैल्यू यहाँ देखिए कितनी थी ए बी की वैल्यू ये डी इक्वल टू थ्री दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये नाइन हो जाएगा तो नाइन इक्वल टू नाइन अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर प्लस यहाँ पर नाइन एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर तो यहाँ पर हो जाएगा नाइन इक्वल टू नाइन बैकेट लीजिए देखो वन अपन वन प्लस एम स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर अपॉन वन प्लस एम स्क्वायर और ये हम कैंसिल कर देते हैं वन इक्वल टू यहाँ आएगा आपका वन प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम एल्थम लिया वन प्लस एम स्क्वायर दोनों तरफ और ऊपर वन प्लस एम स्क्वायर और अभी देखेंगे जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ये वन बाई वन कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो वन प्लस एम स्क्वायर प्लस टू एम इक्वल टू वन प्लस एम स्क्वायर और वन प्लस एम स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो इंप्लाइज टू एम इक्वल टू जीरो और यहाँ से मिलेगा आपको एम इक्वल टू ज़ीरो और एम इक्वल टू जीरो यदि मैं यहाँ पर रखूँ देखिए यहाँ पर इसको मैं रोमन में डाल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन तो यदि मैं यहाँ पर रखूँ तो पुटीन ये रोमन वाली जो इक्वेशन है वन तो कितना मिलेगा यहाँ पर यदि मैं इसको जीरो रखूँ तो यहाँ मैं बता दूँ आपके लिए ज़ीरो इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा किसकी वाली हो जाती है ये टेन जीरो की वाली हो जाएगी तो टेन थीटा इक्वल टू टेन ज़ीरो इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री और ये किसके साथ था एंगल पॉजिटिव एक्सटेक्स के साथ इसका मतलब आपको एक्सिस के साथ जीरो डिग्री पर यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल आपको ये मेजर करना होगा तो देरफो डायरेक्शन इज डायरेक्शन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो दिस विल बी योर आंसर ये क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का लिए और अभी हम क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखेंगे तो स्टूडेंट्स अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 और जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है कि ऑफ ए राइट एंगल ट्रगल एंड एट द पॉइंट वन थ्री एंड माइनस फोर वन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रेंगल ओके तो स्टूडेंट इसी क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे प्लेन की हेल्प से आप देखिए यहां पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स तो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव माइनस सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इधर जाओगे तो आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये वाई एक्सिस है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और यहाँ ले लेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव और अभी जो हमें कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं देखिए ये ओरिजिन आपका जो कोऑर्डिनेट दिए हुए क्या दिए देखो हाइड पॉइंट राइट एंगल है एंड एट द पॉइंट वन थ्री तो एक तो वन थ्री यानी वन एंड थ्री यहां पर आएगा देखो एक्स की वैल्यू वन और वाई की वैल्यू थ्री ये हुआ आपका वन थ्री और ये जो दूसरा दिया गया है ये दिया गया है माइनस फोर वन तो यह आएगा माइनस फोर वन यहाँ दिया गया है इधर ये आपका वन है और ये आपका माइनस फोर तो एक पॉइंट ये हुआ माइनस फोर वन और ये जो ये वाली वैल्यू है ये ये जो ये वाली साइड है ये ये उन्होंने हाई दिया है यदि मैं ए मान लू इस पॉइंट को इसको बी मान लूँ तो जो ए बी है ये आपका हाई है अब मुझे राइट एंगल बनाना है तो देखो राइट एंगल कहाँ बन सकता है खुद देखिए इस बात को तो एक खास चीज देखो यदि हमें राइट एंगल लें तो यहाँ पर आपका राइट एंगल बनता है और यदि यहां पर आपका राइट एंगल बनता है तो यहाँ देखिए ये यह जो x की वैल्यू है ये माइनस फोर है और इधर x की वैल्यू कितनी है आपकी वन एक ही और देखो आप लोग यहाँ एक खास चीज़ आपको जो नोट करने वाली है वो वेरीफाई करके दिखाएंगे हम आपको यहाँ पर जो ए बी की वैल्यू है ए बी की वैल्यू ये होगी आपकी अंडर रूट कितना देखो ये होगा माइनस फोर यानी वन माइनस फोर तो प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन बोले तो थ्री माइनस वन का स्क्वायर यहाँ फाइव का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका ट्वेंटी फाइव प्लस फोर यानी रूट ट्वेंटी नाइन तो देखिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा आपको कि यदि हम इसके पहले लाइन खींचे एक्स एक्सिस के तो ये और यहाँ पर वाई एक्सी के पहले लाइन खींचे तो ये कहाँ कट करेगी चलिए चेक करते हैं तो यहाँ पर वाई की वैल्यू देखो कितनी है वन है और यदि ये वन है तो ये आपके पहला तो इक्वल डिस्टेंस रहेगी दोनों के बीच में तो ये आपका वन ही होना चाहिए यहाँ और फिर दूसरा देखते हैं यदि यहाँ से वाई एक्स के पैलल हम लाइन खींच रहे हैं और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है तो ये वन को मेंटेन करके आगे बढ़ेगा तो ये, ये वाई का वैल्यू वन था पहले से ही तो हमने अभी चेक किया चे था और यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी वन होगी तो इस तरह से ये जो ये पॉइंट आपका सी बोल देता हूँ इसको नाइन्टी डिग्री वाला ये आपका वन कोमा वन आया यदि ये, ये वन कोमा वन हमने सही लिया होगा हमारी सही है कि नहीं तो इसके लिए मैं एक जगह आपको चेक करके दिखाता हूँ ये डिस्टेंस कितनी होगी माइनस फोर से वन तक तो यहाँ तक जीरो तक तो फोर हो गया और ये वन तो ये फाइव हो गया डिस्टेंस ये कितना था आपका रूट ट्वेंटी नाइन और जो ये डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा इसको जरा देख लो ये आपका इधर कितना है थ्री इधर कितना है वन तो ये आपका टू हो गया तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर फाइव स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर कितना हुआ ट्वेंटी नाइन का अंडर रूट ट्वेंटी नाइन रूट तो इसका मतलब ये जनसन हमारी सही है और यदि ऐसा है यदि सी के पॉइंट फ्रॉम द जियोमेट्री सी की वैल्यू जो आई आपकी वो वन कोमा वन आई तो इसके कोऑर्डिनेट जो हैं तो हमें क्या निकालनी है BC की इक्वेशन और ए सी की इक्वेशन देर फॉर ए फॉर बी सी क्या मिलेगा आपको देखिए स्लोप देखेंगे पहले चेक करके स्लोप कितना होगा एम बी सी की वैल्यू ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरल है इसका स्लोप जीरो हो जाएगा एंड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी देखो देर फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी कितना होगा वाई माइनस वाई वन बोले तो चाहे तो इस पॉइंट से निकालो चाहे तो इस पॉइंट से दोनों से होकर जा रही है तो इक्वेशन ऑफ बी सी होगी आपकी देखिए वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन ये आपका फार्मूला है और यहाँ पर y माइनस वाई वन की वैल्यू क्या है इसको मैं एक्स वन बोलता हूँ इसको वाई वन बोलता हूँ तो यहाँ पर आएगा वाई वन की वैल्यू वन और इधर एम की वैल्यू ज़ीरो और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू माइनस फोर है तो ये प्लस फोर हो जाएगा यहाँ पर तो राइट साइड तो आपका जीरो ही होगा तो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू वन तो कोई सा भी आंसर हो सकता है आप देख सकते हैं और और ए, ए सी यदि आप चेक करेंगे तो जो स्लोप होगा आपको मालूम है ये वाई एक्सिस के पैल है तो एम ऑफ ए सी इक्वल टू इनफाइनाइट तो फिर इसके लिए करेंगे वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन के लिए फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर एक्स वन वाई वन मैं इसको ले लेता हूँ तो क्या होगा देखो ये y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एम और x माइनस एक्स वन अपॉन वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वन वाई एम और आप यहाँ देख सकते कि यदि m किसके लिए ए सी के लिए यदि ए सी के लिए ये आपका बी सी के लिए था देखो तो यदि ए सी के लिए m की वैल्यू इनफाइनइट है इसका मतलब वन अपॉन एम ए सी की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं ज़ीरो रख सकता हूँ तो इसकी वैल्यू ज़ीरो रख दीजिए तो ये क्या आएगा आपका एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू क्या है वहाँ पर देखें वन इक्वल टू जीरो तो या तो यही आंसर हो जाएगा या आप एक्स इक्ल टू वन आंसर लिख सकते हैं तो स्टूडेंट ये था आपका इक्वेशन जो बी सी का है वो वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो और जो ए सी का हुआ ये आपका एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो या फिर एक्स इक्ल टू वन एंड वाई इक्ल टू वन क्वार्टर विद आंसर तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन और अभी हम क्वेश्चन एटीन को देखते हैं Find the फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट थ्री कोमा एट विदेक्ट टू द लाइन 7, assuming the line to be a plane mirror. आइए देखते हैं क्वेश्चन को ये भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा स्पेशल थिंक करना होता है तो ये थोड़ा सा फिजिक्स से कनेक्टेड हो जाएगा देखिए ये लाइन है इसको मैं एक प्लेन मिरर की तरह ले लेता हूँ और जो लाइन का इक्वेशन है ये दिया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एटीन में x प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन और जो पॉइंट है ये है थ्री कोमा एट और मुझे इसकी इमेज देखनी है इसमें और जो पूछा है वो पूछा है मुझे फाइंड द इमेज ऑफ यानी कि मुझे पॉइंट निकालना है तो सपोज ये पॉइंट ए है और जो इसका इमेज है वो मान लो पॉइंट बी है यहाँ पर देखो इसके अंदर दिखाई देगा आपको तो आपको मालूम है ये डिस्टेंस इक्वल होगी जो प्लेन मिरर है उसमें इतनी ही डिस्टेंस पीछे जा आपको इमेज दिखाई देगी तो मान लो ये पॉइंट आपका एच कोमा के है तो उस केस में इसका मिड पॉइंट आपको मिल जाएगा क्या होगा मिड पॉइंट बोलिए ये होगा थ्री प्लस एच थ्री प्लस एच बाई टू मैं पहले वेरिएबल लिख लेता हूँ तो अच्छा लगेगा आपको लिखने में तो ये एच प्लस थ्री बाई टू और ये के प्लस एट बाई टू ये आपका सी पॉइंट जो मिड पॉइंट है ए बी का इसका कोऑर्डिनेट हो गया है और ये जो ये पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई करता है तो एज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ये बी क्या है आपका इमेज तो दैट इज सी क्या है एच प्लस थ्री बाई टू एंड के प्लस एट बाई टू लाइज ऑन द लाइन क्या है लाइन एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सेवन तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये होगा आपका एच प्लस थ्री बाई टू प्लस थ्री टाइम ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी के प्लस एट बाई टू इक्वल टू सेवन और कितना आएगा ये वैल्यू यह आएगा आपका एच प्लस थ्री प्लस थ्री के प्लस ट्वेंटी फोर होल डिवाइड बाई टू को मैं राइट ले जाता हूँ थर्टी फोर्टीन तो एच प्लस थ्री के और इसको जब राइट लेके जाऊँगा तो कितना आएगा आपका ये माइनस टेन हो जाएगा और फिर ये आपका माइनस थर्टीन इक्वेशन नंबर वन अब मैं एक चीज़ यहाँ पर और बताता हूँ आपको जहाँ तो देखें एज ए बी इज परपेंडिकुलर टू एल लाइन के परपेंडिकुलर है देयर फॉर एम ए बी इन टू एम ऑफ एल इक्वल टू माइनस वन अब एम ऑफ एल यानी लाइन के लिए जो एल की वैल्यू है वो कितनी है माइनस ऑफ कॉपिशंट ऑफ एक्स अपॉन कॉपिशंट ऑफ वाई तो ये होगा आपका माइनस वन बाई थ्री और ए बी के लिए क्या होगा एच माइनस थ्री के वाई टू माइनस वाई वन के माइनस एट अपॉन एच माइनस थ्री और ये वैल्यू हो जाएगी इन टू यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे माइनस का वन बाई थ्री आज का प्रोडक्ट होना चाहिए माइनस वन तो के माइनस एट अपॉन एच माइनस थ्री की वैल्यू होगी ये उधर लेके चले जाएंगे तो माइनस वन अपॉन माइनस वन बाई थ्री माइनस माइनस कैंसल ये थ्री हो जाएगा इम्प्लाइज थ्री एच माइनस नाइन इक्वल टू के माइनस एट और लिख सकते हैं थ्री एच माइनस के इक्वल टू वन इक्वेशन नंबर टू अब आप इक्वेशन नंबर वन एंड टू को सोल्व करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू देखिए क्या आएगा एच प्लस थ्री के तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा इक्वेशन नंबर टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो एच प्लस थ्री के इक्वल टू माइनस थर्टीन इक्वेशन वन और ये हो जाएगा आपका देखिए नाइन एच माइनस थ्री के इक्वल टू थ्री ये होगा इक्वेशन टू मल्टीप्लाई बाई थ्री इनको ऐड कीजिएगा तो टेन एच इक्वल टू क्या है आपका ये माइनस टेन हो जाएगा और एच की वैल्यू हो गई आपकी माइनस वन अब जो एच की वैल्यू आपकी आई इसको मैं इक्वेशन नंबर टू में रखता हूँ तो पुट इन इक्वेशन नंबर टू और ये होगा आपका थ्री एच यानी थ्री इन टू माइनस वन माइनस के इक्वल टू वन तो माइनस थ्री माइनस के इक्वल टू वन माइनस के इक्वल टू वन प्लस थ्री तो के इक्वल टू माइनस फोर माइनस के इक्वल टू फोर लिख सकते हैं या फिर के इक्वल टू माइनस फोर देयर फोर जो इमेज है वो होगी बी पॉइंट और जिसके कोऑर्डिनेट हैं एच एंड के यहाँ पर अच्छी वैल्यू आई थी आपकी कितनी माइनस वन और ये आया माइनस फोर क्वेश्चन दिस इज योर आंसर और अभी हम क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखेंगे यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में आपको दिया गया है इफ लाइन लाइन एक्स प्लस दी है आपको वाईक्वल टू थ्री एक्स प्लस एंड टू वाईक्वल टू एक्स प्लस थ्री आर इक्वल इन क्लाइन टू द लाइन एम एक्स प्लस फोर फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ये आपको वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस फोर दिया गया है एक लाइन इसके साथ दो और लाइन दे रखी हैं आपको और ये दोनों की दोनों इक्वली इनक्लाइंड अब सेम पॉइंट से जाती हैं कि नहीं ये कंसिडर नहीं किया तो मैं अलग अलग दिखाता हूँ बट एक ही कन्फर्म है कि जो ये लाइन है यदि ये, ये एंगल थीटा बना रही है तो ये जो दूसरी लाइन है ये लाइन L1 है ये लाइन L2 और ये लाइन L तो L2 भी ये एंगल थीटा बना रही है ठीक है ये क्वेश्चन दिया है आपको और ये जो L1 और L2 लाइन है ये उन्होंने दी हुई है वाई को टू थ्री एक्स प्लस वन वाई इको टू थ्री एक्स प्लस वन और दूसरी है वाई इक्ल टू ये दिया 2y टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ठीक है और जो एल की वैल्यू वाई इको टू तो एम एक्स प्लस फोर दी हुई है तो एम की वैल्यू आपसे पूछी गई है तो आइए देखते हैं एम की वैल्यू के लिए तो पहले तो स्लोप ऑफ वाई को टू थ्री एक्स प्लस वन ये एल वन लाइन है तो इसे कंपेयर करेंगे देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से तो इसको m1 वन में कहूँगा एम की वैल्यू थ्री आ गई एंड स्लोप ऑफ y इक्वल टू टू वाई टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री तो इसका स्लोप कितना होगा ये मैं नाम दूंगा इसको m1 वन ये लाइन टू है तो एम वन डैश नाम दूंगा इसको क्यों वो अभी समझ में आएगा तो पहले तो मैं वाई की फॉर्म में लिखता हूँ इसको वाई का टू वन बाई टू एक्स प्लस थ्री बाई टू और जब वाई का टू एम एक्स प्लस सी स्लोप इंटरसाइट फॉर्म से जब कंपेयर करेंगे तो एम वन डैश नाम देता हूँ एम वन डैश इक्वल टू कितनी वाली हुई तो ये हुई आपकी वन बाई टू और स्लोप ऑफ लाइन वाई का टू एम एक्स प्लस सी यानी कि यहाँ पर फोर दिया है सी नहीं फोर दिया है तो इसके लिए m इक्वल टू एम इसको मैं m2 नाम दे देता हूँ तो क्या लिखूँ मैं इसको इसको l बोला मैंने इसको मैं l1 वन डैश बोलता हूँ इसको हम l2 बोलते हैं क्यों बोला अब इस बात पे चर्चा करेंगे तो हमें मालूम है जो एंगल का फॉर्मूला होता है टेन थीटा एंगल बिटवीन टू लाइन वो होता है एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन एम टू ये फॉर्मला होता है आप जरा देखें पहले केस है दूसरे केस में तो फोर एल वन एंड एल इन एल टू एल वन एंड एल टू टेन थीटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा देखो एम टू की जगह तो एम रखेंगे एम टू माइनस एम वन सब शूट करो वैल्यू एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस एम वन एम टू यानी कि थ्री इन टू का मोड और फोर एल वन डैश एंड एल इन दोनों के लिए क्या करोगे एल टू के साथ में जब एल वन डैश को लेंगे तो यहाँ भी थीटा ही आएगा ना तो लिखेंगे आप लोग टेन थीटा इक्वल टू मोड ऑफ़ एम माइनस एम टू माइनस और यहाँ पर एम वन एम वन ना लेकर एम वन डैश लेंगे तो ये होगा आपका वन बाई टू अपॉन वन प्लस वन बाई टू इन टू एम तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी टू आइस ऑफ एम माइनस वन अपॉन टू होल डिवाइडेड बाई टू प्लस एम डिवाइडेड बाई टू का मोड तो ये वैल्यू आती है आपकी टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम करेक्ट तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू क्या वैल्यू आएगी देखिए एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इक्वल टू क्या होगा टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम इनकी मोडलस इक्वल हैं तो हम एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर दो रिजल्ट निकालेंगे तो एम्प्लाइज एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इक्वल टू टू एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम एम्प्लाइज क्या आएगा देखो आंसर यहाँ आएगा वन प्लस थ्री एम इंटू टू एम माइनस वन इक्वल टू एम माइनस थ्री इंटू टू प्लस एम चलिए आगे बढ़ते हैं ये होगा कितना टू एम टू एम यहाँ से आगे मैं यहाँ छोड़ करता हूँ टू एम माइनस वन फिर आपका प्लस सिक्स एम स्क्वायर प्लस सिक्स एम स्क्वायर और माइनस थ्री एम इक्वल टू होगा टू एम फिर होगा प्लस एम स्क्वायर फिर माइनस सिक्स और यहाँ होगा आपका माइनस थ्री एम तो देखिए यहाँ पर माइनस थ्री एम माइनस थ्री एम कैंसिल होगा और क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर टू एम टू एम भी कैंसिल होगा और इधर मिलेगा आपको सिक्स एम स्क्वायर और माइनस वन तो सिक्स एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू इधर एम स्क्वायर माइनस सिक्स तो हम क्या करेंगे इधर सप्ट्रेक्ट करें इधर इसको हम इधर ले आएंगे एम को तो ये फ़ाइव एम स्क्वायर हो जाएगा और जब उधर लेके जाएंगे वन को तो ये आपका माइनस के फाइव तो इम्प्लाईज एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन तो देखिए यहाँ पर रियल नंबर के लिए यदि एम की कोई भी रियल वैल्यू मेंशन करूँ तो उसके लिए उसका स्क्वायर माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ पर देखेंगे नॉट पॉसिबल ठीक है अब दूसरे वाले केस को देखते हैं ए, पहले हमने क्या लिया था प्लस के लिए जब हमने पॉजिटिव साइन लिया था अब नेगेटिव साइन के साथ देखते हैं तो क्या रिज़ल्ट आता है ज़रा देखें तो नेगेटिव साइन के साथ जब रिज़ल्ट देखेंगे तो, देखें तो क्या आएगा ये होगा एम माइनस थ्री अपॉन वन प्लस थ्री एम इक्वल टू माइनस ऑफ टू आइस ऑफ एम माइनस वन अपॉन टू प्लस एम तो यहाँ हो जाएगा देखो और एक स्टेप को आगे ले जाऊं तो यह हो जाएगा आपका वन माइनस टू एम अपॉन टू प्लस एम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा एम स्क्वायर एम माइनस थ्री को पहले मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ किसके साथ टू एम माइनस वन एम माइनस थ्री को इसके साथ मल्टीप्लाई करना एम माइनस थ्री को टू प्लस एम के साथ मल्टीप्लाई हूँ फिर वन प्लस थ्री एम को मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ वन माइनस टू एम के साथ तो यहाँ मिलेगा आपको देखो 2m एम माइनस प्लस हो जाएगा एम स्क्वायर फिर माइनस का 6 और माइनस के 3m और इधर जाएंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी m 1 आएगा फिर उसके बाद माइनस के 2m आएगा फिर माइनस प्लस का 3m आएगा और फिर माइनस सिक्स एम स्क्वायर माइनस सिक्स एम स्क्वायर तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो एम की वैल्यू मैं लेफ़्ट में, में लाऊं तो कितना हो जाएगा आपका सेवन सेवन एम स्क्वायर हो जाएगा ये एम स्क्वायर को एडजस्ट किया मैंने अब मैं एम को एडजस्ट कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर कितना है टू और थ्री माइनस एम और इधर कितना है आपका ये प्लस एम है प्लस एम को मैं इधर लेके आता हूँ माइनस एम ऑलरेडी था तो माइनस के टू एम हो गया और अभी कॉन्स्टेंट टर्म देखेगा ये माइनस सिक्स है और यहाँ पर वन है तो जब मैं इधर लाऊंगा तो ये माइनस सेवन हो जाएगा इक्वल टू जीरो और अभी क्या कीजिएगा यहाँ पर एम की वैल्यू लेंगे माइनस बी तो टू हो जाएगा और प्लस माइनस और अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो ये होगा फोर माइनस फोर ए सी फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है सेवन और ये सेवन फोर्टी नाइन तो कितना हुआ आपका फोर ए सी और ये माइनस नहीं प्लस हो जाएगा माइनस 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 और यहाँ पर पहले से माइनस का था तो ये आपका प्लस हुआ डिवाइडेड बाय टू यानी कि फोर्टीन अभी ऊपर देखते हैं तो वैल्यू आएगी देखो माइनस टू प्लस माइनस और यहां पे क्या आएगा ध्यान से देखेंगे तो फोर्टी नाइन इंटू फोर और फिर आपका प्लस है टू तो मैं दोनों में से टू कॉमन ले लेता हूँ तो आपका रूट में क्या बचता है देखिए यहाँ बचता है आपका वन बचेगा यहाँ पे आपका वन बचेगा और यहाँ भी आपका वन बचेगा तो वन प्लस फिफ्टी फोर्टी नाइन आपका फिफ्टी हो जाएगा डिवाइडेड बाय इधर कितना है फोरटीन अब देखिए मैं इसको मिटा लूँ थोड़ा सा यहाँ तक बाकी चीज़ें आपकी क्लियर रहेंगी तो एम की वैल्यू मुझे मिल जाएगी टू कॉमन ले लेता हूँ मैं और यहाँ भी आपका माइनस ऑफ बी था तो माइनस ऑफ माइनस टू की वैल्यू प्लस हो जाएगी यहाँ पर और ये आपका टू कॉमन लेने पे वन और प्लस माइनस रूट फिफ्टी डिवाइडेड बाई फोर्टीन इसे इससे कैंसिल कीजिएगा सेवन टाइम सेवन टाइम आ जाएगा तो एम की वैल्यू क्या आएगी वन प्लस माइनस और फिफ़्टी को लिख सकते हैं आप फाइव रूट टू फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव टू या फिफ्टी अपॉन सेवन तो जो एम की वैल्यू आएंगी ये दो वैल्यू आएंगी एक एम वन प्लस फाइव रूट टू बाई सेवन और एक एम की वैल्यू होगी वन माइनस फाइव रूट टू बाई सेवन स्ट्रेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर नाइनटीन होप आपकी समझ में आया होगा अच्छे से और अभी हम लोग क्वेश्चन ट्वेंटी एथ करते हैं इफ़ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द लाइन्स एक्स प्लस वाई माइनस फाइव टू जीरो एंड थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन टू जीरो इज ऑलवेज टेन सो दैट वी मस्ट मूव ऑन ए लाइन ठीक है तो जो आपको कंडीशन दी है स्टूडेंट आप जब इसको अप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में यदि मिल गया तो समझिए वो स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है और यदि कहीं स्क्वायर या एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर जैसा टर्म क्रिएट हुआ तो इसका मतलब एक्सप्रा गिवन पॉइंट है वो स्ट्रेट लाइन पे नहीं लाई करता तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे आता है यहाँ होता है इफ द सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल पॉइंट देखिए P दिया हुआ है आपको x कोमा वाई ठीक है और फ्रॉम द लाइन्स दिस एंड दिस इज ऑलवेज टेन तो आपको यहाँ पर दो लाइन दे रखी हैं एक लाइन है L1 मैं यहाँ पे नाम देता हूँ और एक लाइन L2 और इन दोनों से जो दो डिस्टेंस है परफेंट डिस्टेंस को D1 और एस को कह देता हूँ मैं इन दोनों का जो सम है ऐसे क्वेश्चन दिया उन्होंने कि सम ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑफ़ द वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम द लाइन क्या दिया आपको एक्स प्लस वाई माइनस फाइव एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा दिया है आपको थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो और डी वन प्लस डी टू इज ऑलवेज टेन टेन शो दैट पी मस्ट मूव ऑन ए लाइन तो स्टूडेंट ये आपका एल वन और ये एल टू दो लाइन है और डी वन डी टू का सम आपको टेन दिया गया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आ, पहले मैं डी वन निकाल लेता हूँ तो ये वाली आएगी देखो डी का एक्चुअल में फॉमूला क्या होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट का मोडुलर ये होता है तो यहाँ पर क्या आएगा देखो यहाँ आएगा आपका ए की वैल्यू वन है बी की वैल्यू वन है सी की वैल्यू माइनस फाइव और ये एक्स वन वाई वन की तरह यूज करेंगे तो क्या होगा एक्स डी वन की वैल्यू हम ले रहे हैं एक्स ए ए की वैल्यू वन इंटू एक्स वन की वैल्यू एक्स प्लस बी की वैल्यू वन वाई वन की वैल्यू वाई प्लस माइनस सी की वैल्यू माइनस फाइव डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र एक्स्ट्रा वाई का कॉप्शन को ए एंड बी कहते हैं तो ये वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर का रूट और ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन रूट टू का मोड जो डी टू की वैल्यू है कितनी होगी ये होगी थ्री इंटू एक्स यहाँ ए और बी की वैल्यू थ्री एंड माइनस टू है रेस्पेक्टली प्लस माइनस टू इंटू वाई प्लस सेवन डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होगा आपका नाइन प्लस फोर का रूट तो इसका मोड लेंगे तो ये आएगा आपका थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन अपॉन रूट थर्टीन का मोड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर आप देखेंगे ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका ट्वेंटी एट देखिए इसका आप ध्यान रखेंगे मैं भूल जाता हूँ क्वेश्चन डालना बार बार तो अभी जो आपको दिया गया है जो d1 वन d2 डी इसका सम दिया गया है उन्होंने कि बोला कि हमेशा टेन होना चाहिए तो x प्लस वाई माइनस फाइव अपॉन रूट टू प्लस ये होगा थ्री एक्स माइनस टू वाई प्लस सेवन अपॉन रूट थर्टीन इक्वल टू टेन मैं इसकी दोनों की पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूँ ठीक है नेगेटिव वाली वैल्यू को छोड़ रहे हैं हम लोग एक बार प्लस भी ले सकते हैं माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन ये डिस्टेंस है तो हमें पॉजिटिव ही लेनी है तो कितना आएगा ये रूट थर्टीन एक्स प्लस रूट थर्टीन वाई माइनस फाइव रूट थर्टीन प्लस थ्री रूट टू एक्स माइनस टू रूट टू वाई प्लस सेवन रूट टू अपॉन ये होगा रूट टू रूट थर्टीन रूट ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू टेन ये आप इसे लिख सकते हैं कुछ इस तरह देखो रूट थर्टीन एक्स प्लस रूट थर्टीन वाई माइनस फाइव रूट थर्टीन माइनस थ्री रूट टू एक्स और ये हमने लिया था देखो कैसे फाइव रूट थर्टीन हाँ बिल्कुल ठीक है माइनस टू रूट टू वाई प्लस सेवन रूट टू इक्वल टू टेन रूट ट्वेंटी सिक्स तो ये हो जाएगा आपका रूट थर्टीन एक्स प्लस रूट थर्टीन वाई माइनस फाइव रूट थर्टीन माइनस थ्री रूट टू एक्स ये आपका पॉजिटिव है और माइनस टू रूट टू वाई प्लस सेवन रूट टू माइनस टेन रूट ट्वेंटी सिक्स इक्वल टू ज़ीरो जिसे आप लिख सकते हैं एक्स को एक साथ लेंगे तो रूट थर्टीन प्लस थ्री रूट टू एक्स प्लस रूट थर्टीन माइनस टू रूट टू वाई प्लस सेवन रूट टू माइनस टेन रूट ट्वेंटी सिक्स और कोई कांस्टेंट था माइनस फाइव रूट थर्टीन इक्वल टू जीरो आप देखिए इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी सो पी यानी एक्स वाई पॉइंट पी एक्स वाई ही दिया था हमें ना पॉइंट पी एक्स वाई बिल्कुल ठीक है पॉइंट पी कैपिटल पी एक्स वाई फॉर्म स्ट्रेट लाइन तो आप ध्यान रखें क्योंकि जब हम कोई भी इस तरह का कोई फॉर्म हमें मिलता है इक्वल टू जीरो ये वाला फॉर्म मिलता है तो ये स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म है तो स्ट्रेट लाइन को शो करता है तो अभी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फर्स्ट देखिए या दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पैरेलल लाइन नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो आइए देखते हैं इसको भी तो इसमें यहाँ पर उन्होंने टू स्ट्रेट लाइन दी हुई है। एक को एल वन और एक को एल टू नाम दे देता हूं और इनके इक्वेशन भी आपको दिए हैं डी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और ये दिया है पहला इक्वेशन नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो और जो दूसरा दिया है यह आपका थ्री एक्स प्लस टू वाई थ्री एक्स प्लस टू वाई और प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो और पूछा है फाइन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पैरल लाइन्स नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन और टू एक्स प्लस टू वाई थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स बिल्कुल ठीक है आपका आइए ये एल वन एल टू अब हमें एक और लाइन निकालनी है सीध इस लाइन है ओके और ये जो एल लाइन है ये जो एल लाइन है ये इन दोनों भी लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे है ठीक है और दूसरा क्या है इनके पैरेलल हैं तो इसका नाम मैं L1 का नाम एल टू रहा हूँ तो L1 की वैल्यू मैं लिखता हूँ यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ नाइन एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस सेवन इक्वल टू जीरो यहाँ पे मैं थ्री कॉमन लेता हूँ तो ये आएगा थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन बाई थ्री इक्वल टू जीरो तो ये आएगा आपका ये तो जीरो नहीं है का मतलब थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस सेवन बाई थ्री इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन और एल टू जो लाइन हमें दी गई है वो है थ्री एक्स प्लस टू वाई और ए, क्या है प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो ये क्वेश्चन नंबर टू हुई तो जो अभी हम देखे यहाँ पे जो एल को हम मानेंगे तो एज एल इज पैरल टू एल वन पैरल टू एल टू देखोर अब देखिए यहाँ पर जो एल वन का स्लोप है क्या है एल वन का स्लोप आप यहाँ से निकाल सकते हैं एम वन की वैल्यू माइनस ऑफ कॉपिशंट ऑफ एक्स अपॉन कॉपशनट ऑफ वाई इसका स्लोप क्या है ये होगा आपका माइनस कॉपशंट ऑफ एक्स अपॉन कॉपसट ऑफ वाई ये टू है और इसी तरह से जब ये इसके पैरेलल है तो एल के लिए क्या होगा सो लेट एल के लिए क्वेश्चन क्या होगी ट्राई करते हैं यहाँ पर उसके लिए होना चाहिए एम की वैल्यू एम वन एम टू के बराबर यानी माइनस के थ्री बाई टू यानी कि उसका भी एक्स का कॉप्शन थ्री और वाई का कॉप्शन टू ले सकते हैं तो ये होगा आपका थ्री एक्स प्लस टू वाई और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो कॉन्स्टेंट मान लेता हूँ मैं तो वाई का टू तो ए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को जीरो में तो ऑप्शन तो आपका सेम आ जाएंगे एंड वाई के क्योंकि पैरेलल है और जो सी की वैल्यू भी हमें निकालनी होगी तो एज ए कंडीशन दी है एज एल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम एल वन एंड एल टू तो डिस्टेंस बिटवीन एल एंड एल वन कितना होगा तो वो होगा हमारा देखिए फॉमला क्या होता है फॉमला होता है यदि कोई दो लाइन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो सी वन एंड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो तो या तो इन दोनों के कॉप्शन इक्वल होते हैं ए के और बी के और यदि नहीं है जैसे हमारा देखो नाइन था दूसर थ्री था इधर सिक्स था इधर टू तो या तो इक्वल होंगे अदरवाइज सेम रेशो में होंगे तो हम उस रेशो को कॉमन ले लेंगे और फिर ये इस तरह से हम कॉप्शन इक्वल कर लेंगे तो उसके लिए हमारा फॉम्ला क्या होता है ये होता है सी वन माइनस सी टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट तो फोर एल एंड एल वन रिस्टेंस कितनी होगी डी इक्वल टू यहाँ पर डी वन नाम देता हूँ ये होगा सी माइनस एल एंड एल वन के साथ प्लस थ्री बाई टू हो जाएगा प्लस का सेवन बाई थ्री सी टू की वैल्यू यहाँ पर सी है और यहाँ पर सी वन तो कितना लेंगे माइनस सी सी माइनस सी वन होना चाहिए तो यहाँ पर क्या होगा प्लस सेवन बाई थ्री अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थ्री थ्री जै नाइन टू टू जै फोर का रूट एंड फोर एल एंड एल टू यहाँ पर क्या लेंगे सी माइनस सी माइनस ये का सिक्स हो जाएगा अपॉन नाइन प्लस फोर का रूट और ये इक्वल होना चाहिए ये डी टू था और डी वन इक्वल टू डी टू यहाँ पर डी वन इक्ल टू डी टू तो हम इसको डायरेक्ट इक्वल कर देंगे तो ये वैल्यू हमारी दो केस हो जाएंगे देखिए एक बार प्लस और एक बार माइनस तो पहले मैं प्लस ले लेता हूँ तो उसमें हमारा सी प्लस सेवन बाई थ्री अपॉन रूट थर्टीन इक्वल टू होगा सी माइनस सिक्स अपॉन रूट थर्टीन तो ये रूट थर्टीन तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सी प्लस सेवन बाई थ्री इक्वल टू सी माइनस सिक्स सी सी यदि मैं कैंसिल कर दूँ तो सेवन बाई थ्री इक्वल टू माइनस सिक्स नॉट पॉसिबल और यदि माइनस लें साइन इनके बीच में तो फिर क्या करेंगे तो सी प्लस सेवन बाई थ्री अपॉन रूट थर्टीन इक्वल टू माइनस हो कितना हो जाएगा सी माइनस सिक्स अपॉन रूट थर्टीन ये कैंसिल हो जाएगा तो सी प्लस सेवन बाई थ्री इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस सी प्लस सिक्स सी को इधर ले आता हूँ तो टू सी हो जाएगा और इधर सिक्स माइनस कितना हो गया सेवन बाई थ्री तो थ्री सिक्स जा एटीन एटीन माइनस सेवन अपॉन थ्री तो ये हो जाएगा आपका इलेवन बाई थ्री एटी टू सी तो सी की वैल्यू होगी इलेवन बाई सिक्स तो ये जो आपकी सी की वैल्यू इलेवन बाई सिक्स आई है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी दे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगी इसको यहाँ पुट करने पर यह होगी आपके थ्री एक्स प्लस टू वाई प्लस इलेवन बाई सिक्स इक्वल टू ज़ीरो आप लिख सकते हैं सारे को सिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व वाई प्लस इलेवन इक्वल टू जीरो एल के लिए ये जो लाइन आपसे पूछी गई थी इट इज योर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और अभी ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट वन टू रिफ्लेक्ट ऑन द एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट थ्री फाइव थ्री फाइन द कोडिनेट ऑफ ए तो फिर से थोड़ा सा फिजिक्स का इंट्रोडक्शन है मैथमेटिक्स में यहाँ पर आपको मालूम है जब कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन सरफेस पर रिफ्लैक्टिंग सरफेस पर कहना चाहिए उस पर इंसीडेंट करती है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है तो जरा यहाँ से देखें आप लोग ये मानिए आप रे ऑफ लाइट आ रही है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे ठीक है तो ये होगा आपका नॉर्मल ये आपने पढ़ा होगा बेसिक आपका क्लास टेंथ में था और ये एंगल आई और ये एंगल आर आपको मालूम अच्छी तरह की दोनों एंगल इक्वल होते हैं यहाँ पर मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ तो उन्होंने दिया है जैसे कि देखिए ए, ए लाइट पासिस थ्रू वन कोमा टू तो यहाँ एक पॉइंट देता हूँ मैं वन कोमा टू इससे होकर के जा रही है और ए, रिफ्लेक्ट ऑन एक्स एक्सिस ये जो आपका प्लेन सरफेस हमने माना था रिफ्लेक्टिंग सरफेस को एक्स एक्सिस ही मान लिया गया ठीक है और सपोज करो यहाँ कहीं होगा वाई एक्सिस भी लेकिन ये एक्स एक्सिस से रिफ्लेक्ट कर रही है आइए फिर इस पॉइंट का नाम भी दिया उन्होंने ए तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है ये आपके फाइव थ्री से होकर जा रही है फाइव थ्री तो ये फाइव थ्री से होकर जा रही है हमें ए के कोऑर्डिनेट पूछे उन्होंने तो ए के कोऑर्डिनेट मान लो एच एंड के हैं अब एक बात आपको ध्यान रखने की है यहाँ पर देखिए सपोज करो ये एक्सएक् के साथ एंगल थीटा बना रही है अब आपको ये मालूम है कि इसका नाम देता हूँ इसका नाम देता हूं मैं P जो PA इसका देता हूँ मैं L इसका नाम देता हूँ यहाँ पर कोई पॉइंट S जो PA L एल एंगल है वो PA ऐसे है क्योंकि दोनों 90 हैं ये नॉर्मल है तो ये दोनों 90 हुए और इन दोनों में तो मैं आई एन आर इक्वल एंगल हटा देता हूँ क्योंकि आई और आर इक्वल है आई इक्वल टू आर तो जो बचा हुआ पार्ट वो भी इक्वल हुआ का मतलब ये हुआ यदि ये थीटा है तो ये एंगल भी है तो समझने वाली बात है कि यदि स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ एल वन देखो मैं इसको एल वन लाइन देता हूं इधर वाली जो जा रही है और ये जो ये इधर से आ रही है इसको एल टू दूंगा ऐसा तो करता हूं इसको A, इसको मैं ए डैश कर देता हूं और या इसको मैं बी कर देता हूं b इसका नाम मैं सी कर देता हूं तो स्लोप ऑफ ए बी मत देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ ए बी की वैल्यू क्या होगी ए बी क्या स्लोप एबी का स्लोप होगा आपका टेन थीटा ए बी का स्लोप क्या होगा टेन थीटा और ये क्या होगा आपका ये होगा आपका फाइव माइनस एच अपॉन या उल्टा लिखता हूं एच माइनस फाइव वाई टू माइनस वाई वन होता है तो के माइनस थ्री अपॉन एच माइनस फाइव ठीक है और जो स्लोप लेंगे हम दूसरा किसका बी सी का ए बी का या ए सी का ए सी का तो मैं सी ए कहूंगा इसको तो सी ए का जो स्लोप है ये कितना होगा आपको मालूम है हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करते हैं तो ये कितना होगा ये होगा वन एट्टी डिग्री पूरा वन था उसमें से कितना कम होगा थीटा तो इसके लूँगा मैं टेन वन एटी टेन वन एट्टी माइनस थीटा और ये वैल्यू कितनी होगी ये वैल्यू होगी आपकी एच माइनस के के माइनस टू अपॉन एच माइनस वन तो टेन वन एटी माइनस थीटा कितना होता है माइनस टेन थीटा इक्वल टू के माइनस टू अपॉन एच माइनस वन तो इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू इधर टेन थीटा इक्वल टू है के माइनस थ्री अपॉन एच माइनस फाइव और इधर माइनस टेन थीटा इक्वल टू है क्या आता दूसरा इधर देखो ये था के माइनस टू अपॉन एच माइनस वन अब एक मजेदार चीज़ देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये टेन थीटा थीटा कैंसल इधर माइनस वन बचा अब राइट साइड देखो यहाँ पर क्योंकि ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एच की वैल्यू होगी बट के की वैल्यू नहीं होगी तो यहाँ पर मैं एच को रखूंगा और के को मैं कितना कर दूंगा जीरो क्योंकि एक्स एक्सिस एक्सपेल आई कर रहा है तो उस पर वाई की वैल्यू जीरो होती है तो यहाँ पर के की वैल्यू जीरो रख दीजिएगा तो ये होगा माइनस थ्री अपॉन एच माइनस फाइव अपॉन ये जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री लिया मैंने के माइनस टू माइनस टू अपॉन एच माइनस वन तो वैल्यू होगी देखिए एस को ऊपर ले जाएंगे नर को नीचे ले जाएंगे तो ये होगा माइनस थ्री इंटू एच माइनस वन अपन माइनस टू इंटू एच माइनस फाइव इक्वल टू माइनस वन तो ये आपका सबसे पहले तो माइनस माइनस के आंसर तो थ्री इंटू एच माइनस वन इक्वल टू माइनस टू इंटू ये जगह जाएगा एच माइनस फाइव इधर लिखेंगे आप थ्री एच माइनस थ्री इधर लिखेंगे माइनस टू एच और प्लस टेन और ये हो जाएगा आपका थ्री और टू फाइव एच और उधर टेन प्लस थ्री थर्टीन और एच की वैल्यू होगी थर्टीन अपॉन फाइव देयरफॉर जो पॉइंट था हमारा ए ये क्या होगा एच कोमा के तो एच की वैल्यू है थर्टीन बाई फाइव और वाई की वैल्यू है एच की के की वैल्यू है वन जीरो सॉरी सॉरी यहाँ भी गलत है आप ठीक करो तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका ए तो एच की वैल्यू है थर्टीन अपॉन फाइव और के की वैल्यू है जीरो तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू और अभी ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर दिया है प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो माइनस ऑफ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जीरो टू द लाइन एक्स अपॉन ए कोस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थी वन बी बी स्क्वायर आइए इसको भी डिस्क्राइब करते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है आपका ट्वेंटी थ्री और यहां पर दिया गया है एक लाइन है जो कि देखिए मैं थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख रहा हूँ इसको ये कोर्स थीटा अपॉन ए कोर्स थीटा अपॉन ए एक्स प्लस साइन थीटा अपॉन बी वाई माइनस वन इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हमने इसको लिखा है और यहाँ पर दो अलग अलग पॉइंट दिए हैं आपको एक दिया गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट कोमा जीरो और दूसरा दिया गया माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट और ये जीरो ये दो कॉर्डिनेट दिए गए हैं तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इनके ऊपर तो पहले प्रवर्टिकल तो लेंथ में पी वन मान लें दूसरी प्रवर्टिकल लेंथ पी टू मान लेता हूं तो प्रूफ करना क्या है देखो टू प्रूव पी वन इंटू पी टू इक्ल टू बी स्क्वायर ये हमें प्रूफ करना है पी वन इंटू पी टू इक्ल टू बी स्क्वायर तो पहले तो हम पी वन और पी टू की वैल्यू निकालते हैं तो पी वन की वैल्यू कितनी आएगी जब तो देखें ये वैल्यू आएगी हामला क्या है आपका ए एक्स वन तो ए की वैल्यू है कोर्स थीटा अपॉन ए एक्स वन की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट प्लस बी वाई वन और बी के साथ में बी तो कही रहा और वाई वन की वैल्यू है जीरो तो इसे मैं लिखता नहीं हूँ जीरो हो गया और माइनस वन तो इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कोर्स स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस शाइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर और इसका हमें अंडर रूट लेना है और इसका मोड तो क्या वैल्यू हुई देखिए यहां पर ये आएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट अपॉन कितना आएगा इंटू कोर थीटा इंटू कोर थीटा अपॉन ए ए को मैं क्या करूंगा यहां पूरे को माइनस ए करता हूं और ये फिर इसके बाद ए एलसीएम हो जाएगा जो कि नीचे ले, ले लेता हूं और आप नीचे देखिए जरा ध्यान से ये बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये होगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये रूट के अंदर आएगा और जो होल डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा रूट के डू टू ए बी हो जाएगा उस ए बी को मैं ऊपर ले जाता हूँ तो यहाँ पर आपका ए बी आ जाएगा ठीक है हम इसका जो वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ से ए से ए कैंसिल कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा देखो ध्यान से मैं यहाँ पर जो बी है इसमें इसको माइनस बी लिखता हूँ और जो अंदर आएगा फिर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट इंटू कोर्स थीटा ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा और जो ए है ये टर्म आपका पॉजिटिव हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपका बी स्क्वायर कोर्स स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट और जिसको हम लिख सकते हैं मॉडल्स के बाहर ये बी को हम पॉजिटिव कर देंगे और यहाँ पर ये बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी की वैल्यू बी हो जाएगी मॉडल्स से बाहर आने के बाद और ये आएगा आपका माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट कोस थीटा और ये प्लस ए स्क्वायर ठीक है और नीचे आपका आएगा, आएगा बी स्क्वायर कोच स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ये आपका होगा इक्वेशन नंबर वन और अभी मैं क्या करूँगा अभी पी टू निकालते हैं तो सिमिलरली पी टू की वैल्यू क्या आएगी ये आएगी, आएगी आपके ए एक्स वन चलिए माइनस ऑफ ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट इंटू कोर्स थीटा बाई ए प्लस और ये अगला वाला टाइम आपका जीरो हो जाएगा देखो एक्स वाई वन की वैल्यू जीरो है फिर माइनस वन अपॉन नीचे आएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर का रूट और यहाँ पर आप देखेंगे आगे जाकर के हो जाएगा आपका माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोर्स थीटा के साथ और माइनस ए अपॉन और यहाँ आएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट और डिवाइडेड बाय रूट ए बी जो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो रूट ए बी हो जाएगा जो कि ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका तो यहाँ पर मैं ए बी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ये आपका सब कुछ मोड में था और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो ये था ये एल्सियम लेने के बाद यहाँ पर ये नीचे आ जाता है इसे इसे ये, ये कैंसिल कर दूंगा और अभी जो वैल्यू आएगी आपकी ये आएगी देखो इसमें से न्यूमिनेटर में से यदि हम माइनस कॉमन ले लें तो ये आपका आएगा माइनस बी और ये आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट कोर्स थीटा प्लस ए अपन बी स्क्वायर कोर्स स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट इसका मोड है ये जो माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा मोड खुलने के बाद तो क्या लिखेंगे वैल्यू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट कोर्स थीटा प्लस ए अपॉन बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ये आपका इक्वेशन नंबर टू हो जाएगा अब हमें पी वन इंटू पी टू निकालना है तो पी वन इंटू पी टू की वैल्यू क्या होगी जरा देखो ये मैं लिख देता हूँ दोनों की वैल्यू साफ साफ और फिर आप कंक्लूड करेंगे क्या होना चाहिए थोड़ा सा और बड़ा करके लिखते हैं इसको देखिए यहाँ पर P1 वन इंटू पी तो ये एक्सप्रेशन यहाँ तक लिखते हैं और ज़रा देखो क्या वैल्यू आती है P1 की वैल्यू क्या आती है वहाँ पर लेकर के आओ B इंटू तो B को मैं बाहर लिखता हूँ B इंटू और ये बनेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये प्लस नहीं है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट और ये माइनस में है ठीक है इनटू कोस थीटा प्लस ए स्क्वायर अपॉन रूट के अंदर क्या आएगा यहाँ पर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसके बाद दूसरी वैल्यू क्या है ये बी इंटू बी को मैं बाहर लिखता हूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूट इन टू कोर्स थीटा प्लस ए ये ए है ये ए है ए स्क्वायर में ये ए है तो डिवाइड बाई होगा आपका कितना बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट और अभी देखिए यहाँ पर सबसे पहले बी इंटू बी को मल्टीप्लाई कर तो बी स्क्वायर मिलता फिर जो डिनोमिनेटर को मैं लेके आता हूँ यहाँ पर आप देखेंगे तो ये बी स्क्वायर ये सेम टर्म है तो रूट हट जाएगा मल्टीप्लाई करने पे तो बी स्क्वायर कोश स्क्वायर थीटा थोड़ा सा और ऊपर पे लिख लूँ एक लाइन की जगह और मिल जाएगी मेरे को तो ये होगी आपके बी स्क्वायर कोश स्क्वायर थीटा माइनस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रहेगा अब यहाँ पर जरा देखिए ये टर्म उल्टा लिखा हुआ है ये एक्स है और ये माइनस का वाई है एक्स माइनस वाई ऐसे लिखा है यहाँ पर देखिए ये एक्स है और ये प्लस का वाई है तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई तो क्या आएगा आंसर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और ये माइनस में आएगा क्या आएगा बोला ये टर्म आएगा माइनस में कितना आएगा ये टर्म तो मैं यहां कुछ ऐसे लिखूंगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और ये ए स्क्वायर तो ये क्या होगा आपका एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो वाई का टर्म जो है वो ये था टोटल इसका मैंने स्क्वायर लिखा और माइनस में लिखा तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इसको यहाँ पर आप देखेंगे तो बी स्क्वायर होगा यहाँ पर बाहर और जो अंदर देखेंगे तो ये मिलेगा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैं इसको तो लिख सकता हूँ इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और जब आप डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा देखिए बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस और एस ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर का थीटा देखो ऊपर वाला टर्म नहीं है कहीं भी और हमें बी स्क्वायर आंसर में यहाँ चाहिए यानी कि कोस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना होगा तो वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीट लिख सकते हैं वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा और ये टर्म आएगा आपको देखो ध्यान से तो बी स्क्वायर इंटू अंदर क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई और यहाँ क्या मिलेगा आपको देखो बी स्क्वायर और फिर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और अभी हम आगे जाएंगे यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ आगे बढ़ा करके तो ये टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर और जो नीचे आएगा आपका ये आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन दोनों में क्वेश्चन सीढ़ा कॉमन हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और आप देखेंगे जो ये वाला टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा नोमीटर डिनोमिनेटर सर फाइनल आंसर आएगा आपका बी स्क्वायर सो दिस वार टू तो प्रूव और ये था आपका क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड और फाइनली देखते हैं क्वेश्चन ट्वेंटी फोर्थ तो क्वेश्चन क्वेश्चन ट्वेंटी फोर में पूछा आपसे ए पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्टेट पाथ रिप्रेजेंटेड बाई द इक्वेशन टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो वन टू रीट द पाथ हुक्वेशन इक्वेशन सिक्स एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट इक्वल टू जीरो इन द लिस्ट टाइम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट शुड फॉलो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना है ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हुआ देखिए स्टेट लाइन की एप्लीकेशन तो ये क्रॉसिंग ऑफ टू स्टेट पाथ तो यहां पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है टू स्टेट पाथ और जिनका इक्वेशन आपको दिया हुआ है एक है आपका टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो और दूसरा दिया है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस फाइव इक्वल टू जीरो इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे एक पर्सन है यहाँ पर खड़ा हुआ है और बोल रहे हैं कि एक वन टू रीड द पाथ हुज इक्वेशन इज एक और पाथ है जिसका इक्वेशन है सिक्स एक्स माइनस सेवन वाई प्लस एट इक्वल टू ज़ीरो इसको पहुँचना चाहता है एट तो द लिस्ट टाइम फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ ही शुड फॉलो तो आपको मालूम है यहाँ से यदि यह वही से ये एल वन और एल टू दो स्ट्रेट लाइन मान लेता हूँ और यहाँ पर ये यह आपका एल तो यहाँ से यहाँ पर मिनिमम टाइम में पहुँचना चाहता है और यदि लिस्ट टाइम में पहुँचना चाहता है तो आपको मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल करना चाहिए तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस लाइन टू ए पॉइंट कितना होगा हमेशा एक पर डिस्टेंस होगा तो यानी कि हमें मालूम पड़ गया कि ये पर है किसके एल के और इसका हमें इक्वेशन निकालना है ठीक है इस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है तो चलिए यहाँ पर हम लेते हैं पहले वाली इक्वेशन लेते हैं टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू माइनस फोर और दूसरी इक्वेशन आपकी थी थ्री एक्स प्लस फोर वाई इक्वल टू फाइव और ए, इनको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे इक्वेशन मैं दे कर देता हूँ तो पहली को फोर से दूसरी को थ्री से मल्टीप्लाई करके देखते हैं रिजल्ट क्या आता है ये आएगा एट एक्स माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू माइनस सिक्सटीन इधर आएगा आपका नाइन एक्स और यह आएगा प्लस ट्वेल्व वाई इक्वल टू फिफ्टीन और अभी आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये सेवनटीन एक्स और ये होगा आपका माइनस वन तो एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई सेवनटीन और अभी हम लोग इस वैल्यू को रखेंगे क्वेश्चन नंबर टू में तो ये आपका वैल्यू आएगा देखो थ्री टाइम ऑफ माइनस वन बाई सेवेंटीन प्लस फोर टाइम ऑफ वाई इक्ल टू फाइव तो माइनस थ्री बाई सेवेंटीन प्लस फोर वाई इक्वल टू फाइव और वाई की वैल्यू हो जाएगी कितने फाइव प्लस थ्री बाई सेवनटीन और ये फोर वाई की वैल्यू है तो फोर वाई की वैल्यू आएगी आपकी सेवनटीन फाइजा एटी फाइव तो ये एटी एट हो जाएगा अपॉन ऑन सेवनटीन फोर से कैंसिल कर देंगे ट्वेंटी टू तो ये वैल्यू आई ट्वेंटी टू बाई सेवनटीन तो इस तरह से वाई की वैल्यू आ गई आपकी ट्वेंटी टू बाई सेवनटीन और यहाँ पर आपको ये पॉइंट मिल गया है और ये पॉइंट होगा आपका कितना भाई देखो माइनस वन बाई सेवनटीन कॉमा ट्वेंटी टू बाई अब इस पॉइंट से यहाँ पर जो मुझे एक लाइन चाहिए जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो तो स्लोप ऑफ लाइन एन स्लोप ऑफ लाइन एम कितना हुआ ये आपका ये होगा लाइन एल ये होगा एम इक्वल टू कितना लेंगे देखो माइनस ऑफ कॉप्शन ऑफ एक्स सिक्स अपॉन ऑप्शन ऑफ वाई माइनस सेवन तो ये हो गया आपका सिक्स बाई सेवन एज पी इसका नाम देते हैं क्यू एज पी क्यू परपेंडिकुलर टू एल देर फॉर स्लोप ऑफ पी क्यू कितना हो जाएगा दैट विल बी माइनस के वन बाई एमडिकाइनस के सेवन बाई सिक्स अब आपके पास दो चीज़ें हो गई इसका आपके पास स्लोप भी मिल गया एम डैस की वैल्यू लिख देता हूँ इसको माइनस के सेवन बाई सिक्स और आपको ये पॉइंट जिससे लाइन जा रही है ये भी आपको मिल गया तो इस तरह से आप इक्वेशन में लाइन निकाल सकते हैं देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्यू क्या हो जाएगा वाई माइनस वाई वन की वैल्यू ये होगी आपकी ट्वेंटी टू बाई सेवेंटीन इक्वल टू एम की वैल्यू माइनस सेवन बाई सिक्स एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू माइनस वन बाई सेवनटीन ये प्लस वन बाई सेवेंटीन हो जाएगा और अभी आप देखेंगे तो ये होगा सेवनटीन वाई माइनस ट्वेंटी टू होल डिवाइडेड बाई सेवेंटीन और इक्वल टू होगा माइनस सेवन बाई सिक्स और ये 17x एक्स प्लस वन अपॉन सेवेंटीन सेवनटीन सेवनटीन कैंसिल हो जाएगा सिक्स इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो सेवनटीन सिक्स जा वन जीरो टू वाई और माइनस ट्वेंटी टू सिक्स जा ये सिक्स टू 12, ट्वेल्व सिक्स टू जै ट्वेल्व थर्टीन इक्वल टू माइनस के कितना सेवनटीन सेवन जा वन वन नाइन एक्स और ये माइनस का हो गया सेवन ठीक है तो so, हम लिखेंगे इसको वन वन नाइन एक्स प्लस वन जीरो टू वाई और माइनस के कितना वन थर्टी टू और माइनस सेवन इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा तो so, ये हो जाएगा आपका माइनस के वन ट्वेंटी फाइव इक्वल टू ज़ीरो तो दिस विल बी योर इक्वेशन ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पी टू द लाइन एल तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन ट्वेंटी फोर और इस तरह से आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर टेन कंप्लीट होती है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे आपको प्रैक्टिस करने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ सब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें सिक्स सिक्स मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस एक्सरसाइज से तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ टेक केयर